Yesterday we started and completed class 8 chemical kinetics and today I am starting a new chapter और इंशाल्लाह कोशिश करेंगे कि आज ही इस चैप्टर के बारे में कंप्लीट हम कर लें तमाम कॉन्सेप्ट्स को ताकि अगली क्लास में हम इसके एमसीक्यूज को सॉल्व कर पाएँ। तो बेटा आज का चैप्टर है फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री का चैप्टर 3 है द एटॉमिक स्ट्रक्चर एंड ऑल ऑफ यू नो इट इज़ द बिगेस्ट चैप्टर ऑफ फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री एंड द मोस्ट कॉन्सेप्चुअल एज वेल। एटॉमिक स्ट्रक्चर फर्स्ट ईयर में के बुक में हमारे पास मौजूद है सिंध बोर्ड में और एप्टीट्यूड के हवाले से आज हम इसको डिस्कस करेंगे एटम के डिफरेंट स्ट्रक्चर्स के बारे में कि एटम के डिफरेंट स्ट्रक्चर्स क्या हैं और किन साइंटिस्ट की कंट्रीब्यूशन थी इन स्ट्रक्चर्स को बताने में। तो आप जैसे कि जानते हैं कि एटम के डिफरेंट डिफरेंट स्ट्रक्चर्स हमारे पास आए हैं, है ना, जैसे कि जॉन डाल्टन ने सबसे पहले जो है वो आपका सॉलिड बॉल मॉडल पेश किया या बिलियर्ड बॉल मॉडल जिसको हम कहते हैं। आफ्टर दैट जेजे थॉम्सन आए, उन्होंने इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉन्स की डिस्कवरी करके प्लम पुडिंग मॉडल पेश किया। प्लम पुडिंग मॉडल के बाद फिर रदरफोर्ड आए और रदरफोर्ड ने बताया कि इलेक्ट्रॉन्स चारों तरफ बिखरे हुए नहीं हैं बल्कि जो प्रोटॉन्स हैं वो चारों तरफ बिखरे हुए नहीं हैं बल्कि सेंटर में। न्यूक्लियस का कॉन्सेप्ट पेश किया रदरफोर्ड। उसके बाद नील्स बोहर आए जिन्होंने न्यूक्लियस के अराउंड सर्कुलर ऑर्बिट्स का कॉन्सेप्ट पेश किया। फिर ये कॉन्सेप्ट रिजेक्ट हुआ तो हाइसनबर्ग ने उसको रिजेक्ट किया। तो एरविन श्रोडिंगर आए और श्रोडिंगर ने क्वांटम मैकेनिकल या वेव मैकेनिकल मॉडल एटम का पेश किया। तो आप देखते हैं कितनी तरह की तब्दीलियों से एटम का स्ट्रक्चर गुजरा है। कभी ऐसा था, फिर ऐसा सोचने लगा, फिर ऐसा हुआ, फिर ऐसा हुआ, फिर इस तरह हो गया। फाइनली इस तरह का इलेक्ट्रॉन होता है जिसमें ऑर्बिटल कॉन्सेप्ट होता है, हमारे पास एनर्जी लेवल्स होते हैं। तो आज इन्हीं चीज़ों के बारे में हमें डिस्कस करना है कि ये साइंटिस्ट कौन थे, उन्होंने किस तरह से इन चीज़ों को इन डिस्कवरीज को किया, इलेक्ट्रॉन्स प्रोटॉन न्यूट्रॉन किस तरह डिस्कवर हुए सारी चीज़ें, ठीक है। तो ये चैप्टर 3 हमारा है। तो आप सब जानते हैं कि फंडामेंटल पार्टिकल्स जो एटम के अंदर हैं वो 3 हैं मेन, प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन न्यूट्रॉन या इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन। इलेक्ट्रॉन कैरीज नेगेटिव चार्ज, प्रोटॉन कैरीज पॉजिटिव चार्ज, न्यूट्रॉन इज अ न्यूट्रल पार्टिकल, इट कंटेन्स नो चार्ज। ये तो जानते हैं आप सब ऑलरेडी, ठीक है, दिस इज अ वेरी बेसिक थिंग। तो शुरुआत में जो एटम का कॉन्सेप्ट था बिल्कुल स्टार्टिंग में जो हमारे पास एटम का कॉन्सेप्ट था बच्चों वो क्या था कि 2000 BC मतलब 2000 बिफोर क्राइस्ट, ईसा अलैहिस्सलाम के पैदा होने से भी 2000 साल पहले एक ग्रीक फिलोसोफर था जिसका नाम था डेमोक्रेटस। डेमोक्रेटस ने एक फलसफा पेश किया था कि तमाम सब्सटेंस बहुत छोटे पार्टिकल से मिलकर बने हैं जिसको उसने कहा था एटोमोस। और एटोमोस के मतलब क्या होते हैं, एटोमोस के मतलब होते हैं इनडिविजिबल, ना काबिल तकसीम, जिसको तकसीम ना किया जा सके। तो ये सबसे पहले आज से 2000 BC का मतलब कि आज से 4000 साल लगभग अगर आप पीछे चले जाएँ तो 4000 साल पहले ग्रीक फिलोसोफर डेमोक्रेटस था जिसने ये कॉन्सेप्ट पेश किया था कि जितने भी सब्सटेंसेस होते हैं वो छोटे छोटे पार्टिकल्स एटम पर मुश्तमिल होते हैं। एटम स्मॉलेस्ट पार्टिकल है, एटमोस ग्रीक वर्ड एटमोस के मतलब ही होते हैं इंडिविजिबल। और इसने असल में रिजेक्ट किया था किस कॉन्सेप्ट को, एरिस्टोटल के कॉन्सेप्ट को, जो 4 बेसिक एलिमेंट के कॉन्सेप्ट पर बिलीव करता था, जो क्या कहता था, दुनिया की तमाम चीज़ें आग हवा मिट्टी और पानी से मिलकर बनी है। तो आग हवा मिट्टी और पानी के इस कॉन्सेप्ट को रद्द करने वाला था डेमोक्रेटस आज से 4000 साल पहले 2000 BC में। और इसलिए इसी डेमोक्रेटस को हम समटाइम्स कहते हैं फादर ऑफ एटॉमिक थ्योरी, मतलब एटमी थ्योरी का बानी था ये। और एटमोस का मतलब, एटमोस ग्रीक वर्ड, इसका मतलब ही होता है इंडिविजिबल। इसका OS जब हटा दिया गया तो अब सिर्फ एटम रह गया, तो एटम का जो वर्ड है वो एटमोस से निकला। एटमोस के मतलब होते हैं इंडिविजिबल, इसको और मजीद तकसीम ना किया जा सके, जो फंडामेंटल पार्टिकल है मैटर का। सही समझ आ गया बात, बहुत बेसिक चीज़ है, बस बहुत ज़्यादा इस पूरे स्लाइड में याद रखने की बात यही कि डेमोक्रेटस फादर ऑफ एटॉमिक थ्योरी है और एटमोस के मतलब होते हैं इंडिविजिबल, बस ये दो बातें याद रखनी, पता है तो फिर आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले जॉन डाल्टन ने, अच्छा, डेमोक्रेटस की उस थ्योरी को ना तमाम लोगों ने रिजेक्ट कर दिया, रद्द कर दिया, क्योंकि अगर जब पढ़ा लिखा मतलब अगर, और चूँकि एरिस्टोटल और डेमोक्रेटस में एरिस्टोटल या अरस्तु का रुतबा बहुत बुलंद था तो उसको ज़्यादा फोकस किया जाता था, उसकी ज़्यादा बात मानी जाती थी। और वाकई में अरस्तु एक बड़ा फिलासफ़र था, सिकंदर आज़म का उस्ताद था, तो यकीनन उसके अंदर इंटेलिजेंस थी, बट इस जगह पर वो गलत था। बट लोगों ने उसके इसी कॉन्सेप्ट को माना ग्रीस में कि दुनिया की तमाम चीज़ें आग हवा मिट्टी और पानी से मिलकर बनी हैं, तो लोगों ने रिजेक्ट कर दिया क्योंकि उसको ज़्यादा पढ़ा लिखा था। तो आखिरकार काफ़ी साल गुजरे सन 1808 में,
एक इंग्लैंड में एक साइंटिस्ट आए, जॉन डाल्टन। जॉन डाल्टन ने डेमोक्रेटस के उस नज़रिए को जिंदा किया दोबारा और लोगों को बताया कि यार वो थ्योरी सही थी, असल में वाकई में चीज़ें आग हवा मिट्टी और पानी से नहीं बनी बल्कि स्मॉलेस्ट पार्टिकल एटम से मिलकर बनी। यही कहलाता है डाल्टन एटॉमिक थ्योरी। ठीक है, तो चैप्टर थ्री को हम क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में पढ़ेंगे एक स्टोरी की तरह से, ताकि आपको चीज़ें क्लियर हो। मेन पॉइंट्स क्या थे इस एटॉमिक थ्योरी के, कि मैटर इज कंपोज्ड ऑफ इंडिविजिबल पार्टिकल्स कॉल्ड एटम। और आपको पता है ये वाला पॉइंट इसका गलत हो गया, क्योंकि एटम इंडिविजिबल नहीं होता। नाउ वी कैन डिवाइड एटम इनटू फंडामेंटल पार्टिकल्स, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। तो ये इंडिविजिबल अब नहीं है। तो यहाँ पर ये इंडिविजिबल का वर्ड इसने लिखा, ये रॉन्ग है, समझो। तो ये पुराना कॉन्सेप्ट 1808 का है, बहुत तब्दीलियाँ आई उसके बाद एटम के अंदर। ये तो बिल्कुल शुरू यहाँ से होती है हमारी किताब। नेक्स्ट, आइडेंटिकल एटम्स आर नोन एज एलिमेंट्स। एलिमेंट्स क्या होते हैं? आइडेंटिकल एटम, आइडेंटिकल मतलब एक जैसे, एक जैसे एटम एटम्स एलिमेंट्स कहलाते हैं। एक जैसे एटम से मिलकर जो सब्सटेंस बनता है वो एलिमेंट कहलाते हैं। आयरन एक एलिमेंट है बिकॉज उसमें सारे एटम एक जैसे होंगे, आयरन के ही होंगे। 118 एलिमेंट्स आप जानते हैं पीरियोडिक टेबल के अंदर, 118, और पीरियोडिक टेबल में हर एक छोटा बॉक्स एक एलिमेंट को शो करता है। टोटल 118 एलिमेंट है, 92 नेचुरल हैं और 93 से 118 तक सारे आर्टिफिशियल हैं या ट्रांस यूरेनियम एलिमेंट जिनको हम कहते हैं, ट्रांस यूरेनियम, बिकॉज दे ऑल आर आफ्टर यूरेनियम। सही है। तो थर्ड है, एलिमेंट्स आर कंबाइंड केमिकली टू फॉर्म कंपाउंड। एलिमेंट्स जब केमिकली कंबाइन होते हैं तो कंपाउंड की फॉर्मेशन करते हैं, ये जॉन डाल्टन ने बताया। और फाइनली, केमिकल रिएक्शन इज ओनली द रीअरेंजमेंट ऑफ एटम्स एंड एटम्स देमसेल्व्स आर नॉट चेंज्ड। कि जब कोई केमिकल रिएक्शन होता है तो जस्ट एटम्स की रीअरेंजमेंट हो जाती है और एटम्स बजाते खुद चेंज नहीं होते हैं ड्यूरिंग द रिएक्शन, अरेंजमेंट चेंज हो जाती है। आप जैसे कि आप कोई भी देख लो, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होते हैं जो बच्चे, जैसे NaOH प्लस HCl क्या बनेगा, NaCl और वाटर बनेगा। तो देखा, एटम्स तो वैसे ही हैं, यहाँ भी हाइड्रोजन है, यहाँ भी हाइड्रोजन है, यहाँ भी क्लोरीन है, यहाँ भी क्लोरीन है, यहाँ भी सोडियम है, यहाँ भी सोडियम है, यहाँ भी ऑक्सीजन है, यहाँ भी ऑक्सीजन है। उसका मतलब कि जब केमिकल रिएक्शन होता है तो एटम्स के अंदर कोई चेंजिंग नहीं आती, बट अरेंजमेंट चेंज हो जाती है। पहले HCl के साथ था, अब HSOH के साथ आ गया, चेंज हो गया अरेंजमेंट। ठीक है, तो ये अच्छा, ये वाले पॉइंट भी थोड़ा सा गलत है, बिकॉज ये न्यूक्लियर रिएक्शंस के लिए लागू नहीं होता। जब न्यूक्लियर रिएक्शंस होते हैं बच्चों, तो क्या होता है, एटम्स के अंदर भी तब्दीली वाकई होती है। आगे हम पढ़ेंगे जेम्स चैडविक के एक्सपेरिमेंट को, पेपर में आता भी है फर्स्ट ईयर। मिसाल के तौर पर जेम्स चैडविक ने बेरिलियम लिया 4-9 और उस पर उसने क्या किया, अल्फा पार्टिकल्स को स्ट्राइक कराया। तो बेरिलियम और हीलियम भी बनना चाहिए था फाइनली, बट ऐसा नहीं होता। क्या बन जाता है, कार्बन 6-12 और एक न्यूट्रॉन बाहर निकल जाता है। अब इस वाले रूल के खिलाफ वर्जी हो गई, एटम्स में चेंजिंग हो गई प्रोडक्ट में जाने पर। पहले बेरिलियम और हीलियम था, अब सिर्फ कार्बन बन गया। तो ये इस तरह के रिएक्शंस कहलाते हैं न्यूक्लियर रिएक्शंस, जिसमें न्यूक्लियस इन्वॉल्व होता है और बाकी जो केमिकल रिएक्शंस होते हैं उनमें सिर्फ इलेक्ट्रॉन्स इन्वॉल्व होते हैं, शेल्स इन्वॉल्व होते हैं। ऐसा ही है, हम जो ज़्यादातर रिएक्शंस करते हैं ना सेकेंडरी में, जितने भी पढ़े सारे केमिकल रिएक्शंस हैं, इलेक्ट्रॉन्स के लॉस गेन ये सब होने से हो रहे थे। लेकिन कुछ रिएक्शंस होते हैं जो चैप्टर थ्री में पढ़ते हैं, वो न्यूक्लियर रिएक्शंस होते हैं, जो जिसमें न्यूक्लियस इन्वॉल्व हो रहा होता है ना, जो आर्टिफिशियल रेडियोएक्टिविटी जिसको हम कहते हैं, वो आगे अभी आएगा, डिटेल में बताऊंगा। क्लियर है यहाँ तक? तो मसला सारे पॉइंट्स क्लियर है उसके, डेल्टा से एटॉमिक थ्योरी के। कल मैंने स्लाइड्स दे दी थी, ठीक है, गर्ल्स बॉयज़ दोनों को ग्रुप में भेजी थी, वोकैबुलरी की भी दे दी थी और उसकी भी। अब टाइम इतना तो बच्चों लिखने का है नहीं, बस वो एक काम करना है कि उन स्लाइड्स को महफूज रखना है, सेव रखना है, कि अगर जब भी आपको रिव्यू करना हो आराम से फोल्डर बना करके उसमें रिव्यू कर सकें। लिखने से वही वही बात होती है, आप टाइम तो डायरेक्ट स्लाइड पढ़ लोगे तो भी वही बात होगी रिव्यू करने के लिए। अच्छा, इसके बाद क्या है कि एक एक करके सब एटॉमिक पार्टिकल्स की डिस्कवरी होना शुरू हुई। सबसे पहले डिस्कवर हुआ कैथोड रे या इलेक्ट्रॉन डिस्कवर हुआ डिस्चार्ज ट्यूब एक्सपेरिमेंट के थ्रू। इसमें चार साइंटिस्ट का नाम MCQs के वाले से आपको याद रखना पड़ता है। पहले हैं हेनरिक जिसलर एक जर्मन इन्वेंटर थे और इन्होंने क्या किया था, डिस्चार्ज ट्यूब इन्वेंट किया था। डिस्चार्ज ट्यूब की जो इन्वेंशन है ना, ग्लास ट्यूब होता है, अभी आगे डायग्राम दिखाऊंगा, तो वो हेनरिक जिसलर ने बनाया था, इसलिए समटाइम्स उसको हम जिसलर ट्यूब भी कहते हैं। जर्मन इन्वेंटर था, सिर्फ ट्यूब बनाया था उसने, और इस ट्यूब पर जो वर्कआउट किया था, काम किया था, वो विलियम क्रूक्स ने किया था या W. क्रूक्स ने किया था। उसने इस ट्यूब को इस्तेमाल करके इलेक्ट्रॉन को डिस्कवर किया था, ये कैथोड रेस को डिस्कवर किया था।
डब्ल्यू क्रूज। और प्रॉपर्टीज उन कैथोड रेस की किसने बताई थी? जे.जे. थॉम्सन ने। जे.जे. थॉम्सन ने कैथोड रेस की तमाम प्रॉपर्टीज को बताया था, जो हम पढ़ेंगे अभी कौन कौन से प्रॉपर्टीज थी। और फाइनली स्टोनी, ये वो बंदा था जिसने इलेक्ट्रॉन का नाम इलेक्ट्रॉन रखा था। इलेक्ट्रॉन का नाम इनमें से किसी ने नहीं दिया था, स्टोनी ने दिया था। तो चार साइंटिस्ट हैं, जिसलर ने जशाशुभ इन्वेंट किया, क्रूक्स ने एक्सपेरिमेंट किया, थॉम्सन ने प्रॉपर्टी बताई, स्टोनी ने नाम दे दिया। तो ये इसको मिक्सअप नहीं करना है, उसको किसने किया कि एग्जैक्टली पता होना चाहिए आपको। ये डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन में ये चार लोग हैं जिनके कंट्रीब्यूशन है। डब्ल्यू क्रूक सबसे मेन बंदा है, क्योंकि इसी ने डिस्कवर किया था कैथोड रेस को। बाकी लोग इतने अहम नहीं हैं, मतलब क्रूक्स बहुत हैं। दैट्स अ क्रूक्स ट्यूब एक्सपेरिमेंट भी कहा जाता था फर्स्ट टाइम, जिसके थ्रू इलेक्ट्रॉन को डिस्कवर किया गया, जो सब एटॉमिक पार्टिकल है नेगेटिव चार्ज कैरी करते हैं। बस समझ आ रही है, क्लियर है यहाँ तक? तो इस तरह का होता है, इसको हम कैथोड रे ट्यूब भी कह सकते हैं, इसी को डिस्चार्ज ट्यूब कहा जाता है। ये एक ट्रांसपेरेंट ग्लास ट्यूब होता है और जिसके दो इलेक्ट्रोड लगे होते हैं, तार से जुड़े होते हैं। एक तरफ कैथोड होता है, नेगेटिव इलेक्ट्रोड होता है, और एक तरफ एनोड होता है, ये पॉजिटिव इलेक्ट्रोड होता है। और इसके अंदर गैस फिल कर दी जाती है, जब उसमें से जब अच्छा गैस फिल कर दी जाती है, और यहाँ पर इधर से ये वैक्यूम पंप से भी अटैच होता है, वैक्यूम पंप। अब इसके अंदर कोई भी गैस फिल कर दी जाती है, कोई भी गैस, लेट से हाइड्रोजन फिल कर दी गई। तो अब गैसेस जो होते हैं वो बैड कंडक्टर होते हैं इलेक्ट्रिसिटी के, उनसे करंट पास नहीं होता। ऑल द गैसेस आर बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, दे कैन नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, इंसुलेटर होते हैं वो। तो अब क्या किया जाता है, चूँकि इसके अंदर गैसेस मौजूद हैं, करंट पास नहीं हो सकता उनमें से, गैसेस में से, तो क्या करते हैं, हाई वोल्टेज देते हैं, 10,000 वोल्ट तक का करंट देते हैं, 10,000 वोल्ट तक करंट देते हैं। और प्रेशर क्या करते हैं, लो प्रेशर, प्रेशर रिड्यूस कर देते हैं। प्रेशर रिड्यूस कैसे करते हैं, वैक्यूम पंप की मदद से। वैक्यूम पंप से ट्यूब को एवैक्यूएट किया जाता है, प्रेशर रिड्यूस किया जाता है, और 10,000 वोल्ट का करंट हम बैटरी से दे देते हैं। अब क्या होता है, गैसेस आयनाइज हो जाते हैं, आयनाइज होने से मतलब इलेक्ट्रॉन लॉस हो जाता है। तो हाइड्रोजन के अंदर प्रोटॉन अलग हो जाता है और इलेक्ट्रॉन अलग हो जाते हैं, इसको कहते हैं आयोनाइजेशन। लो प्रेशर और हाई वोल्टेज पर ऐसा होता है। फिर ये नेगेटिव चार्ज वाले जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ये पॉजिटिव प्लेट की तरफ भागना शुरू कर देते हैं, सही है? तो एक आपको ग्रीन टाइप की एक लाइट दिखाई देती है, जो कि नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ जा रही होती है। तो जब डब्ल्यू क्रूक ने उसको देखा, तो उन्होंने कहा कि यार ये जो रेस है एटम के अंदर, कैथोड रेस है। क्यों कैथोड रेस का, कि कैथोड से ओरिजिनेट हो रही है और एनोड की तरफ जा रही है, तो उसको कैथोड रेस का नाम दिया। उसको लग रहा था ये रेस है, बस वेव्स हैं, वो उनके पार्टिकल नेचर को नहीं समझ पाया। बस उसको ये पता था कि कुछ रेज हैं जो एटम से निकलती हैं और जो नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ जाती हैं डिस्चार्ज ट्यूब के अंदर। इनकी पूरी एक्सप्लेनेशन जे.जे. थॉम्सन ने की, डिस्कवरी इनका काम था बट एक्सप्लेनेशन का काम जे.जे. थॉम्सन का। अरे बस समझो, तो 10,000 वोल्ट दिया, लो प्रेशर दिया, गैसेज आयनाइज हुई और कैथोड रेज नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ मूव करना शुरू कर गए। क्लियर यहाँ तक? कुछ पूछते? हाँ, ये सवाल अच्छा है कि अगर प्रेशर बढ़ा दे तो क्या होगा। देखो, गैसेस के बारे में बता दें कि जो गैसेस होते हैं ना बच्चों, वो इंसुलेटर होती हैं। इंसुलेटर का मतलब बैड कंडक्टर होती हैं। हवा गैस है, हवा एक बैड कंडक्टर है ना। एयर हमारे पास, एयर हमारे पास गैस है और एयर हमारे पास बैड कंडक्टर है। एयर से करंट पास हो सकता है? नहीं होता। पास होता सब मर जाते हैं अभी बैठे बैठे, है ना भाई, करंट पास नहीं हो सकता। लेकिन यही गैसेस कंडक्टर बन जाती हैं। गैसेस, चूँकि सारे के सारे गैसेस नॉन मेटल होते हैं, इस वजह से नॉर्मली इनके जो बिहेवियर होते हैं इंसुलेटर वाला होता है। एक ही गैस है जो मेटल की स्टेट में, पूरे प्रोडक्ट टेबल में एक ही गैस है जो मेटालिक है, जो नॉर्मल कंडीशन पर करंट पास कर देगी। उस गैस का नाम पता है किसी को? ज़िनॉन? नहीं, तो जानता है ऐसी गैस जो मेटालिक गैस है। सारे गैस नॉन मेटल है सवा एक गैस के, एट है हमारे सारे नॉन मेटल हैं। वो बिल्कुल लेटेस्ट है, अभी 10 साल पहले ही डिस्कवर हुआ, 100 के 100 के बाद ही है प्रोडक्ट टेबल में। उसके बोलते हैं कॉपरनेशियम, कॉपरनेशियम CN इसका सिंबल है, कॉपरनेशियम
तो कॉपर नेशियम पिरोल टेबल में वाहिद एक मेटेलिक गैस है, ये 100 के बाद ही हो गया पिरोल टेबल में कॉपर नेशियम। निकोलस कोपरनिकस एक साइंटिस्ट था बहुत पुराना, कोपरनिकस, जिसने हीलियोसेंट्रिक यूनिवर्स का आइडिया पेश किया था कि सन इज़ एट द सेंटर वाइल द प्लैनेट्स आर रिवॉल्विंग अराउंड द सन, तो वो निकोलस कोपरनिकस था, उसके नाम पर ही एलिमेंट का नाम रखा गया है कोपरनेशियम, जो ज़्यादा पुरानी बात नहीं, 10-15 साल पहले डिस्कवरी हुई है। वाहिद गैस है जो नॉर्मल प्रेशर और वोल्टेज पर करंट पास कर सकती है, लेकिन ये गैस बहुत रेयर है क्योंकि आर्टिफिशियल बनाया जाता है, उसको नेचर में कहीं पर एग्जिस्ट नहीं करती। मतलब आप बोलेंगे सर यहाँ कहाँ मिलेगी, तो यहाँ कहीं नहीं मिलेगी, इसको बनाया जाएगा लैब के अंदर, क्योंकि 892 के बाद जितने एलिमेंट्स हैं सबको बनाया जाता है, 92 तक है नेचर में एग्जिस्ट करते हैं। तो गैसेस नॉर्मली इंसुलेटर होती हैं बिकॉज ऑफ नॉन मेटेलिक नेचर, बट समटाइम्स गैसेस बिकम कंडक्टर, एंड व्हेन द गैसेस बिकम कंडक्टर आफ्टर द सेटिस्फेक्शन ऑफ टू कंडीशन, दो कंडीशन पूरा हो जाएगा। सबसे पहला हाई वोल्टेज, दूसरा लो प्रेशर। अब ऐसा होता है किस तरह से, मैं बता रहा हूँ आपको कि लो प्रेशर और हाई वोल्टेज पे किस तरह से यह हो जाता है। आपने कभी देखा होगा लाइटनिंग वगैरह जब बारिशें होती हैं, आजकल तो नहीं हो रही वैसे, लास्ट ईयर पिछले साल हुई थी और काफ़ी लाइटनिंग हुई थी, लाइटनिंग से मुराद काफ़ी ज़्यादा बिजली कड़की थी, तो कभी आप देखते हैं कि वो बिजली कड़कती है तो कड़कते हुए ज़मीन पर भी आ जाती है ना। लास्ट टाइम शायद साहिबा वन पे कोई बैक साइड पे बिजली गिरी थी, ठीक है, जौहर पे, तो वहाँ पर भी फिर उस कुछ बच्चों की शायद डेथ वगैरह भी हो गई थी, पिछले साल की बात अगर आपको याद हो। तो ये मैं बता रहा हूँ कि इसमें वो बिजली ज़मीन पे कैसे आती है, तो बिजली तो एयर तो बैड कंडक्टर है, लेकिन दो चीज़ें सेटिस्फाई हो जाती हैं, जब तूफान आया होता है ना, जब बारिश होती है तो हवा का दबाव बहुत कम हो जाता है, एयर प्रेशर बहुत रिड्यूस हो जाता है, हवा का कम दबाव ही बारिशें प्रोड्यूस करता है प्रेशर, तो उसके दूसरी चीज़ वोल्टेज, जब दो बादल टकराते हैं तो मिलियंस ऑफ वोल्ट प्रोड्यूस होते हैं, तो हाई वोल्टेज होता है और लो प्रेशर होता है जिसकी वजह से बिजली कड़कती हुई ज़मीन पर आ जाती है। ये दो कंडीशन है जिसकी बुनियाद पर एक गैसेस कंडक्टर बन सकती है। बात समझ आ रही है आपको? बादल धुआं होता है, देखिए बादल की जो स्टेट है यकीन सी बात है गैस की सूरत में होती है वो, बट कभी कभार दो चीज़ें कंडेंस बहुत ज़्यादा होती हैं, वो गैस है बट बहुत कंडेंस गैस है वेपर्स की सूरत में, और ये होता है कि उसमें और बड़ी तादाद में होते हैं और बड़ी स्पीड में जाकर टकराते हैं, तो गैसेस भी और चार्जेस भी होते हैं, तो गैसेस भी जब साथ में इतने स्पीड पे इतनी बड़ी तादाद में जाकर टकराते हैं ना, तो सूरत में वहाँ पर भी इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है चार्जेस के टकराने से, ठीक है। अच्छा, प्रॉपर्टीज़ क्या निकल जाएंगी कैथोड रेस की हमारे पास, जो जे थॉमसन ने बताई हैं, कैथोड रे स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल करती हैं, तभी वो शार्प शेडो कॉज करती हैं, शार्प शेडो फॉर्मेशन करती हैं स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल करने की वजह से। मतलब कैसे हम साबित कर सकते हैं कुछ स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल कर रही है, जैसे ये प्रोजेक्टर से निकलती हुई रोशनी ये स्ट्रेट लाइन में आ रही है, कैसे साबित होगा, साबित होगा ऐसे, मैं अपना हाथ रखता हूँ यहाँ पर, तो मेरे हाथ के बैक साइड पर आप देखोगे बोर्ड पर शेडो बन रहा है मेरे हाथ का, और जिस तरह से मेरे हाथ है उसी तरह का शेडो बन रहा है, इसको बोलते हैं शार्प शेडो। अगर ये इस ऐसी सीधी नहीं आती ना रोशनी, जिगजैग आ रही होती तो कभी भी शेडो इतना शार्प नहीं बनता। इस तरह डिस्ट कैथोड रे गुजर रहा है उसमें भी अगर आप हैंड रखेंगे तो शेडो शार्प बन जाएगा, इस बार स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल करते हैं, जो रेस तो दिखती नहीं है ना, लेकिन ये शार्प शेडो एविडेंस है इस बात का कि रेस के लाइट रेज हैं, कैथोड रेज हैं, ये स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल करते हैं। सेकंड, दीज रेस इवॉल्व फ्रॉम कैथोड एंड मूव टू एनोड, कैथोड से निकलती हैं एनोड की तरफ जाती हैं, क्लियर है, सिंपल है, लेकिन पास थ्रो थिन फॉइल, पतले से फॉइल से पास हो सकती हैं ये, तो कैथोड रेज या इलेक्ट्रॉन्स का साइज़ बहुत छोटा होता है, कैथोड रेज इलेक्ट्रॉन्स ही होते हैं, उनका साइज़ बहुत छोटा होता है, तो वो एक थिन से फॉइल से पतले से फॉइल से पास हो सकती हैं, तभी तो ये बैक साइड पर अगर मैं आपको दिखाऊँ तो। अब एक्चुअल में डब्ल्यू ग्रुप क्या करते हैं, यहाँ पर वो एक प्लेट लगा देते हैं और यहाँ बैक साइड पर क्या कर देते हैं, कोटिंग कर देते हैं, कोटिंग किस चीज़ की, ZnS, जिंक सल्फाइड की कोटिंग कर देते हैं। जिंक सल्फाइड क्या है बच्चों, जिंक सल्फाइड एक फोटोसेंसिटिव केमिकल है। फोटोसेंसिटिव केमिकल्स क्या होते हैं कि अगर इन पर कोई रेस जाकर टकराएंगे तो रेस के टकराने पर ये क्या करेगा भाई, जब इन पर रेस जाकर टकराएंगे
तो रेस के टकरा जाने पर, रेस के टकराने पर ये ग्लो करना शुरू कर देगा। ये जिंक सल्फाइड कहते हैं इसको, ठीक है। तो एनर्जी सेवर वगैरह में आपने देखा होगा, ट्यूबलाइट वगैरह में अंदर एक पाउडर होता है वाइट कलर का, तो जो वाइट पाउडर होता है ना एनर्जी सेवर्स में और ट्यूबलाइट्स में, तो वो जिंक सल्फाइड होता है। उसमें जब रेस टकराती है तो वो चमकता है। एलईडी के अंदर ऐसा नहीं होता, एलईडी तो डायरेक्ट ही एलईडी लाइट जल रही होती है, वो तो ऊपर बस एक कवर होता है उसका। लेकिन जो पुराने वक्तों में जो आता था ना एनर्जी सेवर, जलेबी टाइप की जो होती थी वो, और ट्यूबलाइट्स जो आते थे लंबे लंबे, उसके अंदर पाउडर होता था अगर आप उसको तोड़ते थे तो वो पाउडर जिंक सल्फाइड का होता था। उस पर जब रेस टकराती थी तो क्या होता था, वो ग्लो करता था, चमकता था। तो ये जब इस पर से इलेक्ट्रॉन्स जब यहाँ से निकले और आगे बढ़े तो पतला सा ये फॉइल लगा हुआ था, इससे पार हो गए और यहाँ पर ग्लो होना शुरू हो गया। इसका मतलब क्या हो गया कि इलेक्ट्रॉन्स जो कि छोटे साइज़ के होते हैं, जिसकी वजह से वो एक थिन फॉइल से पतले से फॉइल से पास हो जाते हैं। बंदा की बात, नेगेटिव चार्ज होते हैं इनका, कैसे पहचानेंगे नेगेटिव चार्ज होता है, मैग्नेटिक फील्ड लगा दो, एक बड़ा सा मैग्नेट यहाँ लगा दो बच्चों, लाकर यहाँ पर एक बड़ा सा मैग्नेट लगा दो, प्लस माइनस। अब जो कि नेगेटिव चार्ज है तो क्या होगा, ये प्लस की तरफ डिफ्लेक्ट हो जाएगा, घूम जाएगा इस तरफ। ये रेस जो है ना सीधी नहीं जाएंगी, जो घूम जाएंगी, टर्न हो जाएंगी। टर्न होने का मकसद क्या होगा, ये बताना होगा कि असल में इसका नेगेटिव चार्ज है तभी पॉजिटिव प्लेट की तरफ डिफ्लेक्ट कर रहा है, ठीक है। दे कैन रोटेट अ लाइट पेडल भी, हैंड्स दे कैन एक्सर्ट मैकेनिकल प्रेशर एंड दे हैव काइनेटिक एनर्जी। अगर यहाँ पर कोई तुम लाइट पैडल व्हील लगा दो, पैडल व्हील से मुराद कोई पिन व्हील लगा दो, जो बच्चों का खिलौना होता है, हवा टकराती है तो घूमता है। जब यहाँ तुम पिन व्हील लगा दोगे तो क्या होगा बच्चों, ये पिन व्हील घूमना शुरू हो जाएगा। इससे क्या साबित हो रहा है कि ये जो कैथोड रेज़ हैं मटेरियल पार्टिकल्स हैं, इनका वजन है, ये मैकेनिकल प्रेशर लगा सकते हैं और काइनेटिक एनर्जी भी इनके पास होगी, ठीक है। वजन भी है और वेलोसिटी भी है, तो कैथोड रेज़ काइनेटिक एनर्जी पजेस करते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ है कि कैथोड रेज एक लाइट पेडल व्हील को घुमा देते हैं तो उसका ये साबित होता है कि मैकेनिकल प्रेशर एक्सर्ट कर सकते हैं, इनकी काइनेटिक एनर्जी होती है और मास भी होता है, ठीक है। तो कैथोड रेज किन मेडिकल पार्टिकल पर मुश्तमिल होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स पर मुश्तमिल होते हैं। कैथोड रेज क्या है, वो छोटे छोटे इलेक्ट्रॉन्स ही हैं। व्हेन कैथोड रेज स्ट्राइक विद अ मेटल दे प्रोड्यूस एक्सरे, जब कैथोड रेज किसी मेटल से स्ट्राइक करते हैं तो एक्सरे प्रोड्यूस करते हैं। किसी भी मेटल से जाकर स्ट्राइक करेंगे, मिसाल के तौर पर यहाँ पर अगर हमने कोई मेटल यूज़ कर लिया, जैसे यही कोई मेटल है, इस मेटल पर जाकर स्ट्राइक करेगा ना तो इसके अंदर से क्या निकलेगा, एक्सरेज निकलेंगे। तो एक्सरे कब निकलता है, जब कैथोड रेस मेटल पीस से जाकर स्ट्राइक करते हैं तो जो एक वेव्स निकलते हैं, आगे बताऊंगा उन वेव्स के बारे में, वो एक्सरे कहलाते हैं। एक्सरे की डिटेल आगे जाकर आएगी, एक्सरे होता क्या है। कैथोड रेस डस, ये मेन पॉइंट है, कैथोड रेस डस नॉट डिपेंड अपॉन द गैस फिल्ड इन द डिस्चार्ज ट्यूब। कैथोड रे गैस पर डिपेंड नहीं करती है, कोई भी गैस आप फिल कर दो, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड, हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, ज़ेनॉन, नेडॉन, कोई भी गैस फिल कर दो, हर गैस में कैथोड रे सेम निकलेगी, इंडिपेंडेंट ऑफ द गैस है, डज नॉट डिपेंड अपॉन द गैस, ठीक है। इस वजह से द ई बाय एम रेशियो ऑफ कैथोड रेज रिमेन्स सेम फॉर ऑल द गैसेस, इसलिए हर गैस के लिए चार्ज टू मास रेशियो सेम रहता है कैथोड रेज का। ई बाय एम रेशियो जो होता है ना हमारे पास, इसको हम लोग कहते हैं चार्ज टू मास रेशो, चार्ज टू मास रेशो, जैसे थॉमसन ने इसको सबसे पहले बताया था, ई अपॉन एम, इसकी वैल्यू निकालनी पड़ती है। ई है चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है 1.6 × 10⁻¹⁹ कूलम, और मास ऑफ इलेक्ट्रॉन 9.11 × 10⁻³¹ kg, इन दोनों को डिवाइड करेंगे तो कूलम पर kg में हमारे पास कोई वैल्यू आ जाएगी, जो भी वैल्यू आएगी इनको डिवाइड करने पर, दैट इज कॉल्ड चार्ज टू मास रेशियो ऑफ इलेक्ट्रॉन। अब कोई भी गैस आप फिल कर देंगे सेम आएगा, क्योंकि चार्ज हर इलेक्ट्रॉन का सेम होता है, मास हर इलेक्ट्रॉन का सेम होता है, कोई भी एटम डाल दो, मास समझ आ रही है। इसलिए ये गैस गैस पर डिपेंड नहीं करती है कैथोड रे, कोई भी गैस डाल दोगे सेम तरह की जो है वो कैथोड रे जनरेट हो जाएंगे। सारे पॉइंट्स क्लियर है कैथोड रे के, क्लियर है ना, सिंपल है, कोई मसला पॉइंट है किसी चीज़ में। आगे बढ़े, स्लाइड आगे बढ़े। इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी के बाद बच्चों प्रोटॉन की डिस्कवरी होती है, बेटा इसको प्रोटॉन भी कह सकते हैं, एनोड रेस भी कह सकते हैं, पॉजिटिव रेस भी कह सकते हैं और कैनाल रेस भी कह सकते हैं, क्योंकि कैनाल की तरह, कैनाल किसे कहते हैं, कैनाल मींस नहर,
ये नहर की तरह निकल रही होती हैं, कैनाल की तरह निकल रही होती हैं। जैसे यहाँ से जब निकलेंगे ना तो कैनाल की तरह, जैसे नहर होता है ना, छोटे छोटे नालियाँ बनाकर निकल रही होती हैं, इसलिए कैनाल ड्रेजन को हम कहते हैं। अच्छा बच्चों, ये जो प्रोटॉन्स हैं इनको डिस्कवर किसने किया था? इसको डिस्कवर किया था गोल्डस्टीन ने, एक और साइंटिस्ट थे गोल्डस्टीन, उन्होंने प्रोटॉन को डिस्कवर किया था जो पॉजिटिव चार्ज कैरियर पार्टिकल एटम के अंदर। और उन्होंने किया था, किसको डिस्कवर है भी? प्रोटॉन को डिस्कवर किया था। और क्या किया था उन्होंने? थोड़ी सी चेंजिंग की थी इसके अंदर, थोड़ी सी परफोरेशन कर दी थी, परफोरेटेड कैथोड यूज़ किया था। परफोरेटेड समझा जिसके अंदर छोटे छोटे होल्स थे। क्यों किया था उन्होंने ऐसा? जोर से बोले, ये काम प्रोटॉन्स में हमने क्यों नहीं किया, सॉरी इलेक्ट्रॉन के डिस्कवरी में क्यों नहीं किया? यस वासिफ, यस प्रोटॉन का मास बड़ा होता है, वेल डन। तो एक प्रोटॉन 1836 इलेक्ट्रॉन के बराबर होता है वजन के लिहाज से, तो वॉल्यूम के लिहाज से भी हो, एक प्रोटॉन 1836 इलेक्ट्रॉन के बराबर होता है। तो मतलब अगर इलेक्ट्रॉन का, अगर ये देखो, ये मान लो ये इलेक्ट्रॉन का साइज है, ये जो डॉट मैंने लगाया इलेक्ट्रॉन का साइज है, सो दिस इज द साइज ऑफ अ प्रोटॉन, दिस इज इलेक्ट्रॉन एंड दिस इज अ प्रोटॉन, साइज में फर्क देख रहे हो, वेरिएशन। इसी को हम सिंपल अगर हम वर्डिंग्स में लिखें तो 1836 टाइम्स यहाँ पर ये हमारे पास आ रहा है। अच्छा देखो बच्चे, दुनिया में दो ही चीज़ें हैं ना, या तो मैटर है या तो एनर्जी है, तीसरी और कोई चीज़ भी नहीं है, या मैटर है या एनर्जी है। मैटर है तो मैटर किस चीज़ से मिलकर बनी होगी? एटम से। और एटम का क्या होगा? इट हैज़ मास। उसी एटम को आप लोग पार्टिकल भी बोल सकते हैं, हर ज़र्रा एक पार्टिकल है। एवोगाड्रो नंबर पे मैंने आपको बताया था पार्टिकल हो सकते हैं। मैटर एटम से नहीं, एनर्जी एटम से नहीं बना होगा, एनर्जी बना होगा फोटॉन से या कह लो क्वांटा से। और फोटॉन्स या क्वांटा का क्या होता है? नो मास, इनका वजन नहीं होता। बात समझ में आ रही है? दुनिया में दो ही चीज़ें हैं, मैटर का वजन है, एनर्जी का वजन नहीं है। मैटर बना हुआ है एटम से, और एटम के अंदर जो भी पार्टिकल थे सबका वजन है, और जो एनर्जी है लाइट एनर्जी वगैरह वो सब फोटॉन्स या क्वांटा से बने, उनका कोई मास नहीं है। सही है, जैसे रोशनी जो आ रही है, जो प्रोजेक्टर से रोशनी निकल के यहाँ टकरा रही है, इसका मास नहीं होगा क्योंकि इसके पार्टिकल्स नहीं है। फोटॉन्स आर नॉट पार्टिकल्स, फोटॉन्स जस्ट वो क्वांटा है, पैकेट्स ऑफ एनर्जी है बस। ठीक है, ऐसे ही है। तो पार्टिकल्स का तो वजन होगा, इलेक्ट्रॉन का भी वजन है, नेग्लिजिबल है, बहुत कम है, बहुत थोड़ा है, लेकिन है ज़रूर। हम इसको ये नहीं कह सकते, मासलेस नहीं कह सकते। ठीक है, तो ये वासिल ने सही इसका जवाब दिया था कि यहाँ पर इसने परफोरेशन इस वजह से किया चूँकि प्रोटॉन का साइज़ बड़ा है। अगर साइज़ बड़ा है तो क्या हो सकता है अगर इसमें हम सुराख नहीं करेंगे? क्योंकि देखो यहाँ पर इसमें हाइड्रोजन गैस इसने डाल दिया तो नेगेटिव भी प्रोड्यूस होगा, पॉजिटिव भी होगा, है ना, नेगेटिव भी होगा पॉजिटिव भी होगा, प्रोटॉन्स भी होंगे इलेक्ट्रॉन्स भी होंगे। इलेक्ट्रॉन्स तो जाएंगे, यहाँ पर दोबारा ग्लो करना होगा, ग्लो कर जाएंगे। प्रोटॉन्स यहाँ जाएंगे, और अगर यहाँ परफोरेटेड कैथोड नहीं होगा तो यहीं टकरा के रुक जाएंगे। पीछे आपने भले आपने जिंक सल्फाइड लगाया होगा, कोई ग्लो नहीं आएगा, लेकिन जैसे ही आप यहाँ पर इस पर परफोरेशन कर देंगे, सुराख कर देंगे, छेद कर देंगे, होल्स बना देंगे, तो क्या होगा? इन होल्स से निकलेंगे तो स्ट्राइक करेंगे तो फिर पीछे ग्लो आ जाएगा। इसका मतलब एक नेगेटिव चार्ज कैरियर पार्टिकल तो था ही एटम के अंदर, एक पॉजिटिव पार्टिकल भी है जिसको प्रोटॉन का नाम दिया गया। समझ में आ गया क्यों परफोरेशन किया था, परफोरेटेड कैथोड क्यों यूज़ किया था गोल्डस्टीन ने? अगर वरना तो जो डब्ल्यू ग्रुप था वही दोनों कर लेता, कैथोड भी वही कर लेता, एनोड भी वही कर लेता, लेकिन उसने परफोरेशन नहीं किया था कैथोड पर, इस वजह से उसने डिस्कवर नहीं कर पाया। इसने परफोरेशन कर दी, इसकी डिस्कवरी हो गई। बात समझ में आ गई? अच्छा, अब इस तरह से प्रोटॉन्स के भी, अच्छा मैं यहाँ पर अभी चुके दो दोनों के तरह के बच्चे एनईडी वाले भी हैं और जो है वो एमबीबीएस वाले स्टूडेंट्स भी बैठे हुए, तो एमबीबीएस का कोर्स चैप्टर 3 में थोड़ा शॉर्ट है, हर चैप्टर में शॉर्ट है, पीएमसी में ईकैट में सब पूरा करना होता है, तो मैं सारे ही करा रहा हूँ ना। अब आप जो पीएमसी सिलेबस के लिहाज से आप देख लीजिएगा, जो चीज़ रिड्यूस हो रही है उसको कम कर दीजिएगा। जैसे डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन नहीं है पीएमसी सिलेबस में, डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन है, तो मैंने इलेक्ट्रॉन भी बता दिया आपको, प्रोटॉन भी बता दिया, तो आप उस सिलेबस एक बार फॉलो कर लेना, सिलेबस में जो चीज़ें बस वही आप तैयारी कर लेना।
क्योंकि ई कैट वालों का फिर मसला हो जाएगा ना, क्योंकि उनका तो एनईडी में सब पूछ लेंगे, इलेक्ट्रॉन भी पूछ लेंगे, ये मसला आ जाएगा। प्रॉपर्टीज ऑफ एनोड रेस, एनोड रेस की प्रॉपर्टीज क्या है कि ये भी स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल करती है तो शार्प शैडो डालती है, एनोड से निकलती है कैथोड की तरफ जाती है, ये थिन फॉइल से पास नहीं हो सकते बिकॉज ऑफ बिगर साइज, पॉजिटिव चार्ज कैरी करती है, मटेरियल पार्टिकल पर मुश्तमिल होती है एनोड रेस जिसको प्रोटॉन कहते हैं, प्रोटॉन 1836 टाइम्स हेवी होता है इलेक्ट्रॉन से, जो भी मैंने बताया आप। और एनोड रेस, ये मेन पॉइंट, एनोड रेस डिपेंड करती है गैस पर जो फिल करते हैं डिस्चार्ज ट्यूब पे, और इनका ई बाय एम रेशियो भी हर गैस के लिए अलग 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 होता है, इसलिए हैवियर एटम्स के लोअर ई बाय एम वैल्यूज होते हैं। इसको समझना है, इन तीन पॉइंट्स को लाइन से ना, इन दो पॉइंट्स को, पॉइंट लास्ट और सेकंड लास्ट पॉइंट। देखो बच्चे, जब हम एनोड रेस की बात करें ना, इसको गैस इसके अंदर डाल लेते हैं, दो डिस्चार्ज ट्यूब ले लेते हैं, एक डिस्चार्ज ट्यूब ये ले लिया, एक डिस्चार्ज ट्यूब यहाँ ले लेते हैं, इसमें डाल लेते हैं नाइट्रोजन, इसमें डाल लेते हैं ऑक्सीजन, एंड डाल लेते हैं इसमें ओ डाल लेते हैं ऑक्सीजन, ठीक है बच्चे। अब नाइट्रोजन की बात करो, इसके लास्ट सेल में तीन इलेक्ट्रॉन्स होते हैं और इसके न्यूक्लियस के अंदर 7 प्रोटॉन होंगे, क्लियर है, 7 एटॉमिक नंबर होता है। तो ये हमारे पास, अच्छा अगर हम ऑक्सीजन की बात करें, न्यूक्लियस के अंदर 8 प्रोटॉन्स होंगे और लास्ट सेल में उसके 2 इलेक्ट्रॉन होंगे, ऐसा ही है, ये सब पता है। अब जब हम इसको आयनाइज करेंगे तो क्या होगा बच्चों, समझना, ये तीन इलेक्ट्रॉन बाहर निकल जाएंगे, आयनाइजेशन इसी को बोलते हैं, यहाँ पे ये 2 इलेक्ट्रॉन बाहर निकल जाएंगे। तो बच्चों याद रखो कि जो अब जा रहा है, जो ये जो यहाँ एनोड है, एनोड, एनोड की तरफ जो पार्टिकल जा रहे हैं वो कौन से पार्टिकल्स, इलेक्ट्रॉन्स है, वो इलेक्ट्रॉन्स जा रहे हैं ना अलग अलग, यहाँ पे भी ऐसा ही हो रहा है, इलेक्ट्रॉन्स ही जा रहे हैं। ई बाय एम रेशियो निकालना होगा तो क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉन के चार्ज को इलेक्ट्रॉन का मास से डिवाइड कर देंगे, सबका एक ही निकला है, कोई भी गैस डाल दो। बट यहाँ देखो, कैथोड की तरफ कौन जा रहा है, कैथोड की तरफ प्रोटॉन नहीं जा रहे हैं, पूरा का पूरा यस न्यूक्लियस जा रहा है, दिस इज कंप्लीट न्यूक्लियस, पूरा न्यूक्लियस जा रहा है। तो इस न्यूक्लियस में 7 प्रोटॉन है, इस न्यूक्लियस में 8 प्रोटॉन है, कोई और एटम किसी और गैस के न्यूक्लियस लेंगे उसमें अलग प्रोटॉन्स होंगे, तो उसका मतलब इस यहाँ पर चुके प्रोटॉन कभी बाहर नहीं निकलते एटम के अंदर से, प्रोटॉन्स स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स के साथ जुड़े हुए होते हैं, प्रोटॉन्स कभी भी न्यूक्लियस से बाहर नहीं आते अपने, इसलिए पूरा का पूरा न्यूक्लियस जो पॉजिटिव चार्ज वाला है ना वो जा रहा होता है, पूरा पूरा न्यूक्लियस जा रहा होता है। और जब पूरा पूरा न्यूक्लियस जाएगा तो जो पार्टिकल है उसका ई बाय एम रेशियो सबके लिए लगाएगा, क्योंकि चार्ज टू मास रेशियो उसके लिए सबका अलग आएगा ना बच्चे, तो ये सबका मास चार्ज अलग और मास अलग हो जाएगा, मासेस तो सबके अलग होंगे, जैसे इसका अगर एटॉमिक, अगर हम इसके एटॉमिक मास की बात करेंगे तो इसका एटॉमिक मास नाइट्रोजन है तो 14 होगा, इसका देखें तो 16 होगा, ऐसा ही है, तो सबके मास डिफरेंट डिफरेंट लगाने पड़ेंगे। अच्छा, जो गैस हल्की होगी उसका ई बाय एम रेशियो ज़्यादा होगा, क्योंकि डिनोमिनेटर में वैल्यू जब कम होती है तो ओवरऑल वैल्यू बढ़ रही होती है, मास कम होगा तो ओवरऑल वैल्यू आंसर में ज़्यादा आ रहा होगा। तो सबसे ज़्यादा ई बाय एम रेशियो किस गैस का आएगा, सबसे ज़्यादा ई बाय एम वैल्यू हाईएस्ट, जो सबसे हल्की गैस होगी, सबसे हल्की गैस कौन सी है, हाइड्रोजन। चार गैसेस अगर आपको एप्टीट्यूड में दे दिया जाए, H2 दे दिया, हाइड्रोजन दे दिया जाए, नाइट्रोजन दे दिया जाए, ऑक्सीजन दे दिया जाए, क्लोरीन दे दिया जाए, बोला जाए बताओ मैक्सिमम ई बाय एम रेशियो किसका होगा, तो किसका होगा मैक्सिमम ई बाय एम रेशियो फॉर पॉजिटिव रेस, मैक्सिमम ई बाय एम रेशियो फॉर पॉजिटिव रेस हाइड्रोजन का होगा, और मिनिमम पूछेगा तो सबसे कम क्लोरीन का, सबसे ज़्यादा मॉलिकुलर मास होता है इसका, सबसे कम ई बाय एम रेशियो निकल जाएगा। और अगर ई बाय एम रेशियो फॉर इलेक्ट्रॉन पूछेगा मैक्सिमम मिनिमम, तो क्या करेंगे, सबके लिए बराबर होगा फिर। कैथोड रेस के लिए, इलेक्ट्रॉन्स के लिए चार्ज टू मास रेशियो सेम होता है तमाम गैसेस का, जिसलिए कभी भी नेगेटिव रेस के लिए आपसे नहीं पूछेंगे, हमेशा पॉजिटिव रेस के लिए पूछेंगे, क्योंकि वहाँ पर फर्क हो रहा होता है, बात समझ आ रही है। क्योंकि माँ की मैंने बताया ना कि नेगेटिव रेस के लिए तो सेम आएगा चार्ज टू मास, क्योंकि पीछे मैंने बता दिया इलेक्ट्रॉन के चार्ज को इलेक्ट्रॉन के मास से डिवाइड कर दो, लेकिन यहाँ सबके लिए अलग आएगा, चूँकि पूरा का पूरा न्यूक्लियस उठ के जा रहा है, एक प्रोटॉन निकल के नहीं जा रहा है, जैसे कि आप अपने जहन में सोचते हैं ना, बच्चे सोचते हैं साइंस के हमारे कराची में इंटर के स्टूडेंट के, नहीं यार प्रोटॉन जा रहा होता है, नहीं पूरा पूरा न्यूक्लियस जा रहा होता है, कॉन्सेप्ट सही कर लें अपना, तब जाकर ये आखिरी वाला पॉइंट समझ में आएगा, वरना नहीं आएगा।
तो ऐसा क्यों भाई कि डिपेंड कर रही है और वो डिपेंड नहीं कर रही है? चार्ज सेम रहेगा, चार्ज से मुराद यहाँ पर जब हम चार्ज लेंगे, चार्ज हम यहाँ पर ले लेंगे जैसे कि जो प्रोटॉन का चार्ज है वो सेम होता है इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन का ना, 1.6 × 10⁻¹⁹ कूलम, बस मास इसको अलग कर रहा हूँ, ठीक है, एटॉमिक मास लगाते रहेंगे। थायरॉइडनेस की प्रॉपर्टी सारी बता दी मैंने आपको। अच्छा, इसके बाद क्या होता है कि इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी के बाद, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की, न्यूट्रॉन की डिस्कवरी होती नहीं है, याद रखना है 1900 में, सन 1900 में इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन दोनों लगभग डिस्कवर हो जाते हैं, और तीसरा पार्टिकल जो न्यूट्रॉन है वो 1934 में जाकर न्यूट्रॉन डिस्कवर होता है। अब बच्चे सोचते हैं 34 साल तक साइंसदान कहाँ सोए हुए थे, तो 134 ईयर्स तक वो लोग काम कर रहे थे, पता है किस पर? इन 34 सालों के बीच में काम हो रहा था एटॉमिक मॉडल्स पर, क्या समझे? इसी बीच में आएगा 1911 का साल आता है, 1913 का साल इसी के बीच में आता है ना, 2 ईयर के, 1911 जब रदरफोर्ड ने अपना एटॉमिक मॉडल पेश, 1913 जब बोहर ने अपना एटॉमिक मॉडल पेश किया, तो ये दो एरास के बीच में ये सब चल रहा था, एटॉमिक मॉडल की डिस्कवरी चल रही थी। तो कुछ बच्चे इस तरह से पढ़ते हैं कि इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन पढ़ लेते हैं, और कुछ बच्चे पर इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन पढ़ते हैं क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में, फिर उसके बाद जो पढ़ रहे होते हैं पूरी जो एटॉमिक मॉडल, फिर न्यूट्रॉन लास्ट में पढ़ते हैं, ये आपके ऊपर है। मैं पहले इसी तरह से पढ़ाता हूँ, न्यूट्रॉन पहले मैं पढ़ा देता हूँ, फिर उसके बाद मैं आपको एटॉमिक मॉडल पर लेकर जाता हूँ, मर्जी है जैसे ही पढ़ो, क्लियर है यहाँ पर? तो यही चीज़ मैंने यहाँ पर लिखी है। रिदम के लिए हम क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन पढ़ लेते हैं, बट मसला है कि न्यूट्रॉन को जो डिस्कवर किया गया बच्चों, वो किया गया आर्टिफिशियल रेडियो एक्टिविटी के ज़रिए। तो सबसे पहले तो हमें आर्टिफिशियल रेडियो एक्टिविटी समझना पड़ेगा, और आर्टिफिशियल रेडियो एक्टिविटी को समझने से पहले हमें रेडियो एक्टिविटी समझना पड़ेगा कि रेडियो एक्टिविटी क्या चीज़ है। बड़ा नाम सुना है केमिस्ट्री में, फिजिक्स में, तो देखते हैं रेडियो एक्टिविटी क्या चीज़ है। समझ में आ रही बात यहाँ तक? तो बिल्कुल स्टोरी है ये जो चल रही है सीधी लाइन से, तापकारी रेडियो एक्टिविटी, द स्पॉन्टेनियस डिसइंटीग्रेशन ऑफ द अनस्टेबल न्यूक्लियस ऑफ एन एटम इन द फॉर्म ऑफ इनविजिबल रेडिएशन इज कॉल्ड रेडियो एक्टिविटी। लगातार टूटना एटम के अनस्टेबल न्यूक्लियस का इनविजिबल रेडिएशन की सूरत में, इसको हम लोग कहते हैं रेडियो एक्टिविटी। तो रेडियो एक्टिविटी क्या होती है कि कभी कभार हमारे पास जो एटम्स होते हैं उनके अंदर से रेडिएशन निकल रहे होते हैं, अल्फा बीटा गामा रेस, वो जो रेस निकलते हैं क्यों है, एटम का न्यूक्लियस अनस्टेबल हो जाता है। तो अनस्टेबल एटम के न्यूक्लियस जब टूटता है, डिसइंटीग्रेट होता है, फिर जो उसके अंदर से रेस निकलते हैं उनको हम कहते हैं रेडियो एक्टिव रेस, और ये पूरा फिनोमिना है रेडियो एक्टिविटी तापकारी। सवाल आपके जहन में ये जनरेट हो रहा होगा कि आखिरकार एटम अनस्टेबल कब होता है? देखो, एटम का जो न्यूक्लियस है ना, वो एक तरह का बैग है, वो एक तरह की थैली है, वो एक तरह का कंटेनर है, वो एक तरह का कटोरा है, प्याला है, ये समझ लो। अब किसी भी कंटेनर में आप मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सब्सटेंस डाल सकते हैं, अगर ज़्यादा डालने की कोशिश करोगे तो वो चीज़ टूट सकती है, कंटेनर टूट सकता है। बैग है आपके पास, आपने जो बैग लिया मिसाल के तौर पर, लेट सपोज उसे कि जो बैग आपने ख़रीदा है उस बैग में आप 10 कॉपीज़ को पुट कर सकते हैं, आपने उसमें 15 कॉपीज़ पुट कर दी, तो कहीं ना कहीं से बैग जो है वो टेयर हो जाएगा, वो फट जाएगा। सेम वैसे ही न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स की एक फिक्स तादाद आ सकती है, उससे ज़्यादा नहीं। अगर उससे ज़्यादा आपने डाला, एक वक्त तक सहेगा, बर्दाश्त करेगा न्यूक्लियस, और फाइनली क्या होगा, इवेंचुअली एंड में क्या होगा कि वो टूट जाएगा, वो डिसइंटीग्रेट हो जाएगा। जैसे कि अगर मैं मिसाल दूं आपको, कार्बन 612 के अंदर 6 न्यूट्रॉन होते हैं, 12 − 6 = 6, 6 बेयर कर सकता है ये, 630, 7 न्यूट्रॉन हो गए, आइसोटोप आ गया ना कार्बन का, 614, नाउ हाउ मेनी न्यूट्रॉन्स आर देयर, 8 न्यूट्रॉन्स आर देयर, नाउ कार्बन एटम कैन नॉट बेयर इट, अभी कार्बन एटम बेयर नहीं करेगा तो क्या होगा, टूट जाएगा वो, और जब उसका न्यूक्लियस टूटेगा तो रेस निकलेंगे, तभी कार्बन 14 इज कॉल्ड द रेडियो एक्टिव आइसोटोप ऑफ कार्बन, या रेडियो आइसोटोप ऑफ कार्बन। तो समझ गए अनस्टेबल क्यों होता है, अनस्टेबल उस वक्त होगा जब एक मैक्सिमम अमाउंट से ज़्यादा न्यूट्रॉन्स न्यूक्लियस के अंदर आना शुरू हो जाएंगे, वो टूटना शुरू हो जाएगा, जो टूटेगा तो रेडिएशन का इखराज होगा। तो अब रेडियो एक्टिविटी दो टाइप्स की होती है, दो तरह की होती है, एक नेचुरल रेडियो एक्टिविटी और एक होती है हमारे पास आर्टिफिशियल रेडियो एक्टिविटी।
नेचुरल रेडियोएक्टिविटी किसे कहते हैं, जो कुदरती तौर पर होती है, जिसमें हमारा कोई अमल दखल नहीं होता, अल्लाह ताला ने उसको ऐसे ही बना दिया। और नेचुरली रेडियोएक्टिव एलिमेंट ज़्यादातर पता है कौन से हैं, एलिमेंट्स आफ्टर लेड। लेड एक एलिमेंट है 82 पीरियोडिक टेबल के अंदर। लेड के बाद जो एलिमेंट्स हैं ना बच्चों, वो सारे के सारे रेडियोएक्टिव हैं, जैसे पोलोनियम है, रेडियम है, प्लूटोनियम है, दीज ऑल आर रेडियोएक्टिव एलिमेंट्स बिकॉज दे ऑल आर आफ्टर लेड। और इसको डिस्कवर किया था हेनरी बेकरेल ने, नेचुरल रेडियोएक्टिविटी के बारे में हेनरी बेकरेल ने बताया था, क्योंकि हेनरी बेकरेल के दौर में एक सब्सटेंस होता था जिसको कहते हैं पिच ब्लेंड। पिच ब्लेंड एक पत्थर होता था जो निकलता था कहाँ से, पहाड़ों में से निकलता था, और उसके अंदर से रोशनी खारिज होती थी पिच ब्लेंड के अंदर से। तो फिर यही हेनरी बेकरेल थे, फ्रेंच केमिस्ट थे, उन्होंने बताया था कि असल में इसके अंदर कोई इसमें कोई ऐसा एटम है जिसका न्यूक्लियस टूट रहा है, जिसकी वजह से रेडिएशन निकले। तो ये जो फिनोमिना था नेचुरल रेडियोएक्टिविटी का, ये हेनरी बेकरेल ने बताया था। तो पिच ब्लेंड के अंदर से वैसे बीटा रेज निकलते हैं, ये बड़ा पूछते हैं एमसीक्यूज में, मोस्ट ऑफ द रेडिएशन कमिंग फ्रॉम पिच ब्लेंड वर डैश। तो वर डैश में अगर बीटा रेज या इलेक्ट्रॉन लगाया करते हैं, एप्टीट्यूड में भी आता है। उसके बाद सेकंड क्या है, आर्टिफिशियल रेडियोएक्टिविटी। आर्टिफिशियल रेडियोएक्टिविटी क्या चीज़ है बच्चों, कि एक चीज़ रेडियोएक्टिव है नहीं, हम उसको बना देंगे रेडियोएक्टिव। कैसे बना देंगे, बाय द बम्बार्डमेंट ऑफ पार्टिकल्स, पार्टिकल्स के बम्बार्डमेंट करके। अल्लाह ताला ने उसका न्यूक्लियस स्टेबल बनाया है, लेकिन हम क्या कर रहे हैं, उस पर कोई ना कोई पार्टिकल डाल के उसके न्यूक्लियस को जानबूझ के अनस्टेबल कर दे रहे हैं। पार्टिकल के लिए गन होता है, पार्टिकल गन फायर करके। तो अब जाहिर सी बात है न्यूट्रॉन जब आ जाएगा तो वो भी अनस्टेबल हो जाएगा और वो टूटना शुरू हो जाएगा, रेडिएशन निकलने शुरू हो जाएगी। दैट इज़ कॉल्ड आर्टिफिशियल रेडियोएक्टिविटी। बात समझ में आ रही है, दोनों तरह की होती है, नेचुरली जो खुद ब खुद टूटना शुरू हो जाए न्यूक्लियस न्यूट्रॉन के बढ़ने से, और एक में न्यूट्रॉन हम फायर कर रहे होते हैं न्यूट्रॉन गन से, तो उससे फिर न्यूट्रॉन बढ़ना शुरू हो जाता है, तो उससे फिर न्यूक्लियस ब्रेक होता है, तो दैट इज़ कॉल्ड आर्टिफिशियल रेडियोएक्टिविटी। क्लियर है? और ये किसने डिस्कवर किया था, जेम्स चैडविक ने, और इसी ने फिर न्यूट्रॉन को डिस्कवर किया था इस तरीके से, जो आगे आएगा। क्लियर है यहाँ तक? और रेडियो एक्टिविटी के बारे में जानते हैं, रेडियो एक्टिविटी एक न्यूक्लियर रिएक्शन है, केमिकल रिएक्शन नहीं है, न्यूक्लियर रिएक्शन है। तभी इसके लिए अलग ब्रांच है, 9 में पढ़ा होगा न्यूक्लियर केमिस्ट्री, रेडियो एक्टिविटी को पढ़ते हैं उसमें। ये मेरा यूरेनियम 235 238, यूरेनियम डिकम्पोज होता है थोरियम और हीलियम में, ठीक है? तो ये अल्फ़ा रेज निकल जाते हैं इससे, हीलियम अल्फ़ा रेज होता है तो थोरियम में चेंज हो जाते हैं। देखा, एलिमेंट शुरू में कुछ था रिएक्टेंट में, प्रोडक्ट में कुछ है, शुरू में यूरेनियम था, बाद में बन गया आपके पास थोरियम, थोर से निकला। एवेंजर देखा है, उसमें जो हथौड़ी होती है स्ट्रॉन्ग ब्रेकर, जॉलिनिक पहले होती है बाद में स्ट्रॉन्ग ब्रेकर हो जाता है, तो वो थोर होता है। थोर इज एक्चुअली द गॉड ऑफ थंडर इन नॉर्स मैथोलॉजी, तो वहाँ से बढ़ा है, थोर से आ गया थोरियम। मतलब गॉड्स के नाम पे भी एलिमेंट्स के नाम है बहुत सारे, जैसे थोरियम जिसको हम कहते हैं। थर्सडे जो आपका दिन होता है, आज तो नहीं है थर्सडे, तो थर्सडे पे थोर के नाम पर होता है, थर्सडे था पहले, वो थर्सडे हो गए। तो हमारे तो सारे महीनों के नाम और डेज के नाम सारे ग्रीक गॉड्स वगैरह पे बढ़े हैं सारे, तभी इस्लामिक कैलेंडर बोलते हैं संभाल करना चाहिए, बट हमें तो तारीख ही नहीं पता तो इस्लामिक कौन सी है, अभी का पता है हमें, 8 मुहर्रम हो जाएगा, लेकिन बाकी नॉर्मल डेज नहीं पता होते। कोई जमादी उस्तानी में पूछ ले, जमादी उलावल में पता नहीं क्या डेट है, रमज़ानों के डेट्स पता हो जाते हैं और इस तरह से रहे मुहर्रम के पता हो जाते हैं, बाकी डेट्स तो पता ही नहीं होते क्या चल रहा है। मुहर्रम के भी 10-11 के बाद भूल जाते हैं क्या डेट चली। तो ये न्यूक्लियर रिएक्शन है क्यों, क्योंकि एलिमेंट्स चेंज हो रहे हैं, यूरेनियम थोरियम में कन्वर्ट हो रहा है और हीलियम पार्टिकल अल्फा रेज निकल जा रहे हैं इसमें। तो ये न्यूक्लियर केमिस्ट्री में पढ़ते हैं इसलिए हम रेडियो एक्टिविटी। सारी चीज़ क्लियर है A to Z? कुछ पूछना है, एनीथिंग? क्लियर है, आगे बढ़ते हैं। तो इसमें बेटा साइंटिस्ट जो आएंगे ना, इसमें 4 साइंटिस्ट इसके अंदर भी होते हैं। हेनरी बेकरेल का बता दिया, पिच ब्लेंड से जो पार्टिकल निकल रहे तो उसके बारे में बताया था। उसके बाद अच्छा, उसने ये नहीं बताया था कि वो कौन से पार्टिकल्स हैं जो पिच ब्लेंड से निकल रहे हैं, उसने बताया बस कोई ना कोई एटम है जो अनस्टेबल है। मैडम क्यूरी और पेरी क्यूरी, दे आर हस्बैंड एंड वाइफ, मैडम क्यूरी या मैरी क्यूरी भी उनका नाम होता है, पोलैंड की रहने वाली या पोलैंड में पैदा हुई थी। दिस इज द पेरी क्यूरी, हर हस्बैंड, बोथ आर द नोबेल प्राइज होल्डर्स, द ओनली कपल ऑफ द वर्ल्ड हु आर
नोबेल प्राइज़ होल्डर, जिसमें हस्बैंड और वाइफ दोनों नोबेल प्राइज़ होल्डर, पेरी क्यूरी और मैडम क्यूरी, अ ग्रेट पर्सनैलिटी इज दीज आर। एंड और इसके अलावा मैडम क्यूरी इज़ द ओनली वेमेन या ओनली साइंटिस्ट, मतलब इंक्लूडिंग मेल एंड फीमेल, हु हैज़ अवॉर्डेड टू नोबेल प्राइज इन टू डिफरेंट सब्जेक्ट्स। शी हैज़ गॉट अ नोबेल प्राइज इन फिजिक्स एज वेल एज अ नोबेल प्राइज इन केमिस्ट्री। दुनिया में और कोई साइंटिस्ट ऐसा नहीं जिसको दो नोबेल प्राइज़ दिए गए अलग अलग सब्जेक्ट में, ठीक है। तो वो मैडम क्यूरी हैं जिनके हस्बैंड हैं पेरी क्यूरी। और एक और तीसरा एक रिकॉर्ड ये है कि मैडम क्यूरी और पेरी क्यूरी की बेटी थी पेटिट क्यूरी, उनका नाम था, वो भी नोबेल प्राइज़ होल्डर थे। तो वाहिद मतलब के बाप बेट मतलब माँ बाप और बेटी तीनों को नोबेल प्राइज़ नवाजा गया। ग्रेट इंटेलिजेंट फैमिली ऑफ द वर्ल्ड, ठीक है। नाम सुना होगा आपने मैडम क्यूरी, बचपन में कहानी सुनी होगी, मदाम क्यूरी लिखा होता था, ठीक है। बड़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी होती है, अभी एप्टीट्यूड में पढ़ाने का टाइम नहीं, इंटर में पढ़ाता हूँ, वीडियो में होगा सुन लेना। तो मैडम क्यूरी ने डिस्कवर किया था उस पार्टिकल को, ये जो पार्टिकल पी प्लेट से निकल जाए ना जो अनस्टेबल है, वो रेडियम है असल में। तो रेडियम पहला, रेडियम वॉज द फर्स्ट रेडियो एक्टिव एलिमेंट टू बी डिस्कवर्ड, सबसे पहला रेडियो एक्टिव एलिमेंट रेडियम था। सेकंड था पोलोनियम, ये भी इन्होंने किया था, रेडियम पहले डिस्कवर हुआ था फिर पोलोनियम, वो भी रेडियो एक्टिव था, और पोलोनियम का नाम पोलैंड से निकला है क्योंकि मैडम क्यूरी पोलैंड में पैदा हुई थी, जिंदगी अगर से उन्होंने जर्मनी में गुजारी बट अपने मुल्क के नाम पर पोलोनियम रखा उस एलिमेंट का नाम। सुना है पोलोनियम, पी ओ सिंबल होता है, ब्रीडर रिएक्टर्स में इस्तेमाल कर भी रहे होते हैं, जो न्यूक्लियर रिएक्टर्स फिजिक्स में पढ़ा होगा लास्ट चैप्टर। रदरफोर्ड, अच्छा अब उसके रदरफोर्ड का क्या काम था, रदरफोर्ड ने बताया था कि जो रेडियो एक्टिव रेज है तीन पार्ट पर मुश्तमिल है, अल्फा बीटा गामा, ये काम किया था रदरफोर्ड ने, ये काम मैडम क्यूरी का भी नहीं था, उसने डिस्कवर तो कर दिया लेकिन जो तीन पार्टिकल्स हैं उनके बारे में रदरफोर्ड ने बताया। फिर जेम्स चैडविक थे जिन्होंने आर्टिफिशियल रेडियोएक्टिविटी के थ्रू न्यूट्रॉन को डिस्कवर किया, इसने नेचुरल रेडियोएक्टिविटी डिस्कवर किया। मैडम क्यूरी ने बताया कि वो जो पार्ट रेस निकल रहे वो एलिमेंट रेडियम है, पहला रेडियोएक्टिव एलिमेंट उन्होंने डिस्कवर किया। इन्होंने बताया कि रेडियोएक्टिव रेस तीन टाइप के हैं और इन्होंने आर्टिफिशियल रेडियोएक्टिविटी को डिस्कवर किया। ये चार साइंटिस्ट हैं जिनका बड़ा कंट्रीब्यूशन रेडियोएक्टिविटी पर, तापकारी पर। पूछना है कुछ किसको, हेनरी बेकरल, दोबारा से चलो हेनरी बेकरल है ना, देखो मैं चलो स्टोरी हेनरी बेकरल का तो बता सकता हूँ। पुराने ज़माने में पहाड़ मतलब पहाड़ों के अंदर मतलब के इस तरह का पत्थर, ब्लैक कलर का एक पत्थर हुआ करता था जो अंधेरे में चमका करता था, अंधेरे में चमकता था। जब चरवाहे वगैरह गडरिए शिपर्ड्स वगैरह जब वो बकरी चराते चराते पहाड़ों के गार में दाखिल होते थे तो वह हैरान रह जाते थे कैसा पत्थर देखकर जो अंधेरे में चमकता रहता था। और ये हज़ारों साल पुरानी बात है, हज़ारों साल पहले साइंस नहीं थी, प्रॉपर एक्सप्लेनेशन नहीं थी किसी भी चीज़ की, आज मैक्सिमम चीज़ों की एक्सप्लेनेशन साइंस कर देती है। तो क्या हुआ कि वो बड़े पर वो देखते थे, हैरत में आ जाते थे कि ये क्या चीज़ है। तो उसी पिच ब्लेंड का मुताला हेनरी बेकरल ने किया, उसी पत्थर का, ये पत्थर में है क्या, ये इस तरह के और पत्थर दुनिया भर में मौजूद है। तो उसने पूरी एक्सपेरिमेंट करके बताया कि इस पत्थर के अंदर कोई ना कोई ऐसा एटम है जिसका न्यूक्लियस डिसइंटीग्रेशन का शिकार है, टूट रहा है, जिसकी वजह से रेज निकल रहे हैं उसके अंदर। ये काम था हेनरी बेकरल का, लेकिन वो कौन सा एलिमेंट है ये इतना आसान नहीं था उसका पता लगाना। उसके लिए मैडम क्यूरी को 20 साल लगे रेडियम की डिस्कवरी करने में, और 20 साल में उन्होंने 10 ट्रक के करीब जो है वो मुताला किया रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स का, 10 ट्रक पिच ब्लेंड उन्होंने मुताला किया उसका और उसके अंदर से रेडियम निकाला उन्होंने। 20 साल का प्रोसेस था, ये आसान नहीं था जो हेनरी बेकरल कर लेता, ठीक है। और हेनरी बेकरल बूढ़ा भी हो चुका था उस वक्त तक, उसके पास वक्त भी नहीं था कि उसको डिस्कवरी कर पाए। ये काम आगे मैडम क्यूरी ने किया, क्लियर है, तो मसला ठीक है। नेक्स्ट है टाइप्स ऑफ रेडियोएक्टिव रेस, जो रदरफोर्ड का एक्सपेरिमेंट था। रदरफोर्ड ने क्या किया था, ये रदरफोर्ड का एक्सपेरिमेंट, रदरफोर्ड ने क्या किया था बच्चों, कि उसने रेडियोएक्टिव सब्सटेंस लिया था और उसको लेड ब्लॉक के अंदर रख दिया था। लेड आप जानते हैं लेड से रेडियोएक्टिविटी पास नहीं होती है, लेड सीसा रेडियोएक्टिविटी को रोक देता है। ये लेड ब्लॉक के अंदर उसने रेडियोएक्टिव सोर्स को रखा जिसमें अल्फा बीटा गामा रेज निकल सकें, और उसको फोकसर मतलब एक स्लिट था, सिंगल स्लिट वाली एक हमारे लोग कार्ड थी, उससे पास किया तो एक रेत आके निकले सिर्फ। फिर सामने मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई कर दिया, मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई किया तो क्या हुआ, रेस तीन पार्ट में अलग अलग हुए। ये फोटोग्राफिक प्लेट लगा दिया कि रेस अगर टकराए तो स्पॉट आ जाए यहाँ पे। तो देखा कुछ रेस प्लस की तरफ गई, कुछ माइनस की तरफ, कुछ सीधी चली गई। जो प्लस की तरफ गई वो कौन सी रेस थी, नेगेटिव चार्ज कैरी करती थी बीटा रेस। जो माइनस की तरफ गई उन पर खुद कौन सा चार्ज होगा, पॉजिटिव।
अल्फा रेस और जो सीधी चले गए नो चार्ज, कौन से रेस? गामा रेस। ये रदरफोर्ड का एक्सपेरिमेंट समझ में आया सबको, पढ़ा हुआ ना, देखा देखा लग रहा है इसको बुक में, इस तरह सीधा बना होता है आप कैसे ही बना लो। तो रदर मतलब इस स्लाइड में क्या चीज़ याद रखनी है कि रदरफोर्ड जो थे उन्होंने रेडियोएक्टिव रेस के बारे में बताया था, अल्फा बीटा गामा रेस, अल्फा रेस पर पॉजिटिव चार्ज, बीटा रेस पर नेगेटिव चार्ज और गामा रेस पर नो चार्ज। और रखा किस पर गया था? लेड ब्लॉक में। लेड ब्लॉक में क्यों रखा गया था? क्योंकि लेड रेडिएशंस को रोक देता है, ब्रेक कर देता है, स्टॉप कर देता है। बच्चे बोले अल्फा पॉजिटिव, लेकिन पॉजिटिव खुद है तो जाएगा किस तरफ, किस प्लेट की तरफ? नेगेटिव प्लेट की तरफ। ये तो बताया ना, अपोजिट चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर, सिंपल। तो ये सिंपल है, इसको याद रखें। वो कहते ना, तुम सब ने ना की मेरे लेक्चर्स की कदर, वो जो मैं सुनाता हूँ, तुम सब लोगों ने ना की मेरे लेक्चर की कदर, टू अपोजिट चार्जेस ऑलवेज अट्रैक्ट ईच अदर। मतलब ऐसे ही कोई ऐसे बना लो, याद कर, 2 रुपए का शेयर था वैसे। अच्छा, वैसे मेरे अपने शेयर हैं जो मैं लिखता हूँ, वो फेसबुक के अंदर एल्बम अगर ऐड हो तो दिख जाएगा उसके अंदर। मतलब सीरियस अशार, मतलब ये तो है तफरी में क्लास में करते हैं। वो बचपन के एक जरासीम थे शायरी के, वो रहते हैं, कभी वक्त मिला अगर तो सुना देंगे, लेकिन अभी वक्त कम है। तुम लोग आए भी क्रैश बैच में, एकदम टाइम ही नहीं है, जब पहले आ जाते तो आराम से मज़े से पढ़ते। प्रॉपर्टीज ऑफ रेडियोएक्टिव रेस, रेडियोएक्टिव रेस की प्रॉपर्टीज़ भी पता होनी चाहिए एमसीक्यूज़ के लिहाज से, इंपॉर्टेंट है। अल्फ़ा बीटा गामा तीन तरह के रेज होते हैं, प्रॉपर्टीज़ 1, 2, 3, 4, 5, 6 प्रॉपर्टीज याद रखते हैं। नेचर, नेचर किस पार्टिकल किस नेचर में होता है? अल्फ़ा पार्टिकल आप जानते हैं हीलियम के न्यूक्लियस की तरह से होता है, हीलियम के न्यूक्लियस की सूरत में फैलता है। तभी बच्चों कभी कभार होते हैं ऐसे करके लिखते हैं अल्फ़ा रेज को Hg2 करके, अल्फ़ा और Hg2 एक ही है, बिकॉज अल्फ़ा रेज हीलियम के न्यूक्लियस होते हैं। बीटा रेज क्या होते हैं? इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, इलेक्ट्रॉन का नेचर होता है इनका। गामा रेस क्या होते हैं? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस होते हैं, जिनकी वेरी लो वेवलेंथ होती है। बेटा जब वेव्स की बात करें, थोड़ा सा मैं समझा देता हूँ यहाँ पर, आगे जाकर तो लोग मेरे ही सर खाओगे। तो वेव्स की जब मैं बात करूँ ना, वेव्स पार्टिकल नहीं होते, ठीक है ना, मैंने बताया वेव्स क्या है, वेव्स एनर्जी है, ऐसा ही है। और एक सिर्फ मुश्तमिल है, यह मुश्तमिल है क्वांटा पर, ऐसा ही है। वेव्स हमारे पास देखा जाए तो वेव्स हमारे पास दो तरह के होते हैं नॉर्मली। एक हमारे पास होते हैं जिसको हम लोग कहते हैं दिस इज कॉल्ड मैकेनिकल वेव, और कुछ हमारे पास होते हैं जिसको हम लोग बोलते हैं ईएम वेव्स। मैकेनिकल वेव्स और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स में क्या फ़र्क है, कौन बताएगा? मैकेनिकल वेव्स एंड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, यस वेल डन। मैकेनिकल वेव्स रिक्वायर्स अ मीडियम टू ट्रेवल, लाइक द साउंड वेव्स आर मैकेनिकल वेव्स, एज वेल एज दे आर लॉन्गिट्यूडनल। अच्छा, लॉन्गिट्यूडनल और ट्रांसवर्स, वो तो प्रोपेगेशन का फर्क है, मैं उस पर बात नहीं कर रहा। मैं मीडियम के लिहाज से दो तरीके हैं, ठीक है। वैसे तो टाइप्स बहुत सारे आते हैं, स्टैंडिंग वेव्स, नॉन स्टैंडिंग वेव्स, स्टेशनरी वेव्स, ट्रांसवर्स वेव्स, लॉन्गिट्यूडनल वेव्स, लेकिन मीडियम के लिहाज से दो ही टाइप्स हैं, या तो मैकेनिकल होगा या तो ईएम वेव होगा। मैकेनिकल को मीडियम की जरूरत होगी, ईएम वेव्स डज नॉट रिक्वायर अ मीडियम टू ट्रैवल, ट्रैवल को जरूरत नहीं करने के लिए उसको, मतलब किसी मीडियम को जरूरत नहीं होती, ये अपना रास्ता खुद बनाता है, अपना मीडियम खुद बनाकर चलता है ये। तो इसके बारे में थोड़ा बता देता हूँ। दिल्ली कॉलेज से कोई है? गवर्नमेंट दिल्ली साइंस कॉलेज नहीं, चलो ठीक है। तो ईएम वेव्स आप हो कौन? तुम हो दिल्ली कॉलेज है ना, ओके, तो बताना था ना। तो दिल्ली कॉलेज है गवर्नमेंट दिल्ली कॉलेज, तो उसमें मैं भी दिल्ली कॉलेज से पढ़ा हूँ, तो उसमें क्या होता है कि वो एक उसका जो लोगो होता है ना, उसका जो मोटो है या स्लोगन है, वो है आइदर फाइंड अ वे और मेक वन, या तो कोई रास्ता ढूंढो या एक रास्ता बनाओ। तो इस चीज़ पर सबसे ज़्यादा अमल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स करते हैं, आइदर फाइंड अ वे और मेक वन, मीडियम नहीं मिलता तो अपना मीडियम बनाकर चलते हैं, ठीक है। तो उस मोटो से मुझे याद रहा कि ईएम वेव्स का क्या है, उनके मीडियम की कॉन्सेप्ट है। कहीं ना कहीं से चीज़ें याद हो जाती हैं, कौन पढ़ता है लोगों को, मैं भी दिख लेता था कि चलो। अच्छा, ईएम वेव्स क्या होते हैं? अपना मीडियम खुद ट्रैवल करते हैं, खुद बनाते हैं। अच्छा, ईएम वेव में क्या होती है, हमारे पास स्पेक्ट्रम होता है पूरा, बहुत तरह की ईएम वेव्स हमारे पास है। एक बार देख लो, फिजिक्स में भी काम आ जाएगा, केमिस्ट्री में भी काम तो आएगा ही आएगा। इस तरह से वेव्स निकलते हैं,
जैसे कि पहले बड़े वेव्स बना लेते हैं, छोटा करते हैं फिर। देखो फिजिक्स में बना होता है ऐसे, ठीक है। ये डायग्राम है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का स्पेक्ट्रम है ये। रेडनेस, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ बता रहा हूँ। देखो सबसे पहले हमारे पास ये, देखो यहाँ पर आ रहे हैं तो वेव लेंथ आपको पता है दो ट्रफ और दो क्रेस्ट के बीच का डिस्टेंस वेव लेंथ होता है। तो यहाँ जो वेव लेंथ आपको दिख रही है, यहाँ वेव लेंथ कैसे दिख रही है, वेरी हाई वेव लेंथ है शुरू में। तो ये देखो ना, दो ट्रफ और दो क्रेस्ट में फासला बहुत है, और यहाँ वेव लेंथ बहुत थोड़ी दिख रही है, तो दिस इज़ वेरी लो वेव लेंथ। अच्छा, वेव लेंथ और फ्रिक्वेंसी इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, ऐसा है, वेव लेंथ फ्रिक्वेंसी इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है ना, बोलते हैं एफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लैम्डा। तो जब वेरी हाई, अगर यहाँ पर वेरी हाई अगर वेव लेंथ है तो वेरी लो क्या हो जाएगी, फ्रिक्वेंसी हो जाएगी, क्लियर। और आपको ये भी पता है कि प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी के लिहाज से एनर्जी और फ्रिक्वेंसी वो भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो वेरी हाई फ्रिक्वेंसी हो गई तो, सॉरी एक सेकंड, वेरी लो फ्रिक्वेंसी हो गई तो फिर वेरी लो एनर्जी भी हो जाएगी। अब यहाँ पर है तो राइट साइड पे वेरी लो वेवलेंथ है तो वेरी हाई क्या हो जाएगी, फ्रिक्वेंसी, और वेरी हाई क्या हो जाएगी, एनर्जी। अब इस पर हम क्या करते हैं, अलग अलग, चूँकि अब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की दुनिया में बहुत काम है, है सारे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, ज़्यादातर जो वेव्स आपको दिखते हैं जो विदाउट मीडियम ट्रैवल करते हैं वो सारे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, साउंड वेव को छोड़ दो, अगर आप साउंड वेव को हटा लो ना, सारे वेव फिर क्या है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक है। सिर्फ साउंड वेव बाकी जो मैकेनिकल में हम देख रहे होते हैं वो हमारे पास इलेक्ट्रोमैग्नेटिक नहीं है, बाकी सारे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक है। अब यहाँ आ जाओ, शुरू में जो वेव्स हमारे पास आते हैं स्टार्ट में, तो वो हमारे पास सबसे शुरू में वो हमारे पास होते हैं रेडियो वेव्स। रेडियो वेव्स के बाद फिर हमारे पास आते हैं जिसको हम लोग बोलते हैं माइक्रोवेव्स। माइक्रोवेव्स के बाद फिर हमारे पास आता है इंफ्रारेड वेव्स। इंफ्रारेड के बाद फिर आता है हमारे पास विजिबल स्पेक्ट्रम। विजिबल स्पेक्ट्रम के बाद आता है एक्सरे। एक्सरे के बाद फाइनली आता है गामा रे। अच्छा, एनर्जी जब बहुत कम है तो मतलब लेस डेंजरस, और एनर्जी बहुत ज़्यादा है तो उसका मतलब मोर डेंजरस। डेंजरस के हवाले से भी ताकि एक साइंस बन जाए। रेडियो वेव्स, ये वो वेव्स हैं जिसके थ्रू आपके मोबाइल फ़ोन कम्युनिकेशन चल रही है, GSM, मोबाइल फ़ोन, इंटरनेट, 3G, 4G, 5G टेक्नोलॉजी, वाईफाई, रेडियो, AM, FM, TV, ये सब जो चल रहा है ना, सैटेलाइट्स वगैरह, ये सब रेडियो वेव्स पे चल रहे होते हैं, सही है। तो ये बहुत ज़्यादा डेंजरस नहीं होते, होते हैं बहुत कम, सबसे कम डेंजरस समझो यही है, बट डेंजरस फिर भी है, ठीक है। तभी मोबाइल फ़ोन वगैरह को कहते ना सिरहाने रखकर नहीं सोना चाहिए, दूर रखना चाहिए थोड़ा सा। हाँ, बर्ड्स के लिए, परिंदों के लिए डेंजरस, यस हो सकता है, इंसानों के लिए भी है, बट लॉन्ग टर्म एक्सपोजर नुकसान देगा। मिसाल के तौर पर अगर किसी के घर के ऊपर या किसी घर के बराबर में टावर लगाओ, मोबाइल टावर, तो फिर वह अगर वो 10 सालों से लगाओ, 15 सालों से, तो वहाँ पर इश्यूज आ सकते हैं, है ना वासिफ, ठीक है, तो वहाँ पर इश्यूज आ सकते हैं, वरना नहीं आते नॉर्मली इश्यूज। और ऐसा नहीं किया मतलब कि जो, चूँकि जब टावर मोबाइल का सामने है ना घर के, तो हर वक्त आप एक्सपोजर में रेडियो वेव्स के, तो वो डेंजरस है थोड़ा सा। रूल ये है ना बच्चे, हाँ, साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर आता है, एंगर, एग्रेसिवनेस, गुस्सा, ये बहुत सारी चीज़ें इस तरह की जनरेट होती है। वैसे मना है, मतलब जो है ना इंटरनेशनल रूल के लिहाज से आबादी में मोबाइल टावर लगाना मना है, हमेशा मोबाइल टावर आबादी से, मतलब जितनी भी आबादी उससे दूर लगेगा, बढ़ चुके हैं सिग्नल्स और इतने ज़्यादा कंज्यूमर्स हैं कि हमें लगाना पड़ जाता है पूरा करने के लिए खपत को, तो ये गलत हो जाता है। इससे लॉन्ग टर्म मसाइल बहुत ज़्यादा होते हैं रेडियो वेव्स के, शॉर्ट टर्म मसाइल नहीं है, लॉन्ग टर्म है। अच्छा, रेडियो वेव्स के बाद माइक्रोवेव्स हैं, ये भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स से खाना गर्म करते हैं आप। माइक्रोवेव ओवन होता है, उसमें कुछ चूल्हा तो नहीं लगा होता, वेव्स निकलनी होती है, वेव से खाना गर्म हो रहा होता है, वो भी डेंजरस है थोड़ा सा, इससे तो ज़्यादा डेंजरस माइक्रोवेव्स है, ठीक है। अम्मी बोलती हैं मोबाइल फ़ोन इस्तेमाल नहीं करने, रेव्स निकलते हैं, लेकिन अम्मी ही माइक्रोवेव में खाना भी गर्म कर देती हैं, तो अम्मी ज़्यादा गलत काम कर रही है, क्योंकि मोबाइल फ़ोन के वेव्स से ज़्यादा डेंजरस माइक्रोवेव्स है, ऐसे ही बता रहा हूँ मैं। डेंजरस ज़्यादा है ना, क्योंकि आगे जा रहे डेंजरस बढ़ रहे हैं, डेंजरस बढ़ रहे हैं, उसके आगे जाएंगे इन्फ्रारेड वेव्स।
इंफ्रारेड वेव्स की जब हम बात करें, इंफ्रारेड वेव जिनको IR भी कहा जाता है, IR आपको पता है नाइट सेंसिंग कैमराज वगैरह में होता है, कैमरे होता है ना नाइट सेंसर्स वगैरह में, IR नाइट विजन कैमराज जो होते हैं गूगल्स वगैरह, तो वो जब लाइट बंद भी हो जाती है तो कैमरा आपको दिखा रहा होता है ब्लैक एंड वाइट टाइप में, क्योंकि उसके अंदर एक रेड कलर की लाइट जल जाती है, कभी आपने कैमरे को देखा हो ना अंधेरे में तो रेड लाइट जल रही होती है उसके अंदर, तो वो इंफ्रारेड वेव्स निकल रहे होते हैं उसके अंदर से, IR उसको बोलते हैं। ये भी एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, ये अलग कोई टाइप नहीं है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की ये मैंने आपको मैं पूरा बता रहा हूँ अलग अलग एग्जांपल। देन विजिबल स्पेक्ट्रम, विजिबल स्पेक्ट्रम कौन सा है, जिस जो वो रंग है जो हम देख सकते हैं, विजिबल स्पेक्ट्रम विजिबल लाइट रेंज, ये वो रेंज है जिसको हम देख सकते हैं, जो हमें दिखती है ना जो हम देख सकते हैं, जो हम बाकी सब हम नहीं देख सकते। विजिबल रेंज में है जो कुछ भी आपको दिख रहा है, ब्लू दिख रहा है, ये ब्लैक दिख रहा है, ये वाइट दिख रहा है, ये सब विजिबल रेंज है, इन सब को आप देख सकते हैं। इंफ्रारेड वेव्स आप नहीं देख सकते। IR कहाँ से निकलता है, टीवी के रिमोट से, टीवी के रिमोट जो है ना उसके सामने एक टॉर्च लगा होता है, बहुत बार दबाया कभी उसमें से कोई लाइट जलते हुए नहीं देखी आपने, जल रही है लाइट बट आपको दिख नहीं रही है, वो कैसे दिखेगी, कभी तरीका है ना उसका, यस कैमरे को ओपन करके, जब कैमरा ओपन करोगे मोबाइल का फिर लाइट जलाओगे तो उसमें रेस निकलते हुए दिखेंगे, किसी बच्चे ने तो किया ही होगा ये काम, तो जो कि वो इंफ्रारेड वेव्स हैं, आपकी आँखें नहीं देख पाती बट कैमरे की आँख उसको देख लेती है। IR हमारी आँखें सिर्फ विजिबल रेंज देख पाती हैं, और विजिबल रेंज में हमारे पास जो कलर है वो 7 रंग है, वाइट ब्लू अर्थ उसको कहते हैं, वायलेट इंडिगो ब्लू ग्रीन येलो ऑरेंज रेड, ये विजिबल रेंज है, हमारी आँख बस यही देखती है, इससे पीछे ना इससे आगे, इनमें भी वायलेट कलर का, इनमें भी अगर हम देखें तो जो वायलेट कलर है वो कह लो कि वो ज़्यादा उसकी फ्रिक्वेंसी है, उसकी लो वेवलेंथ है, और जो रेड कलर है वो पीछे है तो फिर उसकी लो फ्रिक्वेंसी और हाई वेवलेंथ है। अच्छा विजिबल के बाद एक और एक आता है यूवी रेस, भूल गया था मैं लिखना, यहाँ लिख देता हूँ, यूवी रेस पता है अल्ट्रा वायलेट रेस, और यूवी रेस आपको पता है कि सूरज भी हमें दे रहा होता है और डेंजरस होते हैं स्किन के लिए, तो कौन से लेयर मौजूद है एटमॉस्फेयर के ऊपर, ओजोन लेयर, ओजोन लेयर क्या करती है वो यूवी रेस को रोक देती है अल्ट्रा वायलेट रेस को, तो डिफ्लेक्शन हो जाता है तो फिर आ भी जाती है कभी कभार डेंजरस, लेकिन बहुत डेंजरस होते हैं यूवी रेस, यूवी रेस से ज़्यादा डेंजरस है क्या, एक्सरे, एक्सरे की वेवलेंथ और कम है, एनर्जी बहुत ज़्यादा है, इसलिए एक्सरेस वगैरह हड्डियों वगैरह को कराते हैं कम कराना चाहिए, डॉक्टर्स कहते हैं कि इसको ज़्यादा नहीं कराना चाहिए एक्सरे वगैरह, कम कराना चाहिए, क्योंकि एक्सरेस जहाँ किसान एक बार अगर एक्सरे कराता है तो 10 मिनट की ज़िंदगी ख़त्म हो जाती है, कहते हैं 10 मिनट ज़िंदगी कम हो जाती है एक बार एक्सरे कराने से, दो बार कराया तो 20 मिनट कम हो गई, तो इसलिए कहा जाता है एक्सरे कम से कम कराना चाहिए, ज़्यादा नहीं, क्योंकि वो डेंजरस होता है, बहुत डेंजरस, कहाँ आ रहा है देखो एकदम कोने में आ रहा है डेंजरस लिस्ट में, और एक्सरे से डेंजरस सिर्फ एक चीज़ है, वो क्या है, गामा रेज, गामा रेज सबसे ज़्यादा हाईली एनर्जेटिक, सबसे ज़्यादा लो वेवलेंथ और सबसे हाई फ्रिक्वेंसी वाले इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, और जो सबसे ज़्यादा डेंजरस है, ठीक है, तो ये जब एटम बॉम्ब फटता है तो ही क्या होता है, गामा रेज की रेडिएशन निकलती हैं, उन रेडिएशन का बहुत नुकसान होता है, जापान में 1945 में एटम बॉम्ब गिरा था हिरोशिमा नागासाकी में, लेकिन आज भी वहाँ के बच्चे अपाहिज पैदा होते हैं, यार आज के उनके बच्चे सही अबनॉर्मलिटी के साथ पैदा होते हैं, वो रेडिएशन का अफेक्ट गामा रेज का आज भी मौजूद है जबकि 70-80 साल गुजर चुके हैं, तो ये बहुत डेंजरस होते हैं गामा रेज। अच्छा गामा रेज और अल्फा रेज में से जो ज़्यादा डेंजरस है ना, अभी मैं थोड़ी देर में बताता हूँ कि क्या इसका मामला है, ठीक है, यहाँ तो बात समझ में आ रही है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम समझ में आया, तो बेटा ये सारे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव हैं, रेडियो वेव, माइक्रोवेव, इंफ्रारेड वेव्स, विजिबल वेव्स, यूवी रेज, एक्सरे, गामा रे, ये सब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव हैं। अच्छा इन सब के बेटा, इन सब के जो पैकेट्स ऑफ एनर्जी उनको क्वांटा कहा जाता है, रेडियो वेव्स में क्या है क्वांटा, माइक्रोवेव में क्या है क्वांटा, इंफ्रारेड में क्या है क्वांटा, एक्सरे में क्या है क्वांटा, गामा रे में क्या है क्वांटा, विजिबल लाइट जो है ना उसमें भी क्वांटा है, लेकिन आइंस्टाइन ने उसको एक अलग नाम दिया था उस क्वांटा को, क्या बोला था, फोटोन, द क्वांटा ऑफ लाइट इज कॉल्ड फोटोन, विजिबल रेंज पे जो हमें दिख रहे होते हैं, बाकी सबके जस्ट क्वांटा होते हैं, सिर्फ लाइट के क्वांटा को स्पेशल नाम फोटोन देते हैं, ठीक है, बात समझ आ गई, ये सब फिजिक्स का टॉपिक है, केमिस्ट्री से तो कम ही लिंक करता है, लेकिन केमिस्ट्री में चैप्टर 3 जैसे टॉपिक्स में उसके बारे में डिस्कशन आती है अच्छी खासी, बिठा दूँ क्या, बिठा दूँ ना, हाँ अब आ जाओ, अब आते हैं, ठीक है, प्रॉपर्टीज पे,
नेचर हीलियम न्यूक्लियस, इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। जो समझ गया अब आप, इसको दोबारा लिख देता हूँ 2-4 अल्फा रेस को चाहो तो ऐसे भी लिख सकते हैं। सही है। मास इसका कितना होगा, 4 mu, क्योंकि हीलियम का जो मास होता है वही इसका मास होगा। एक अल्फा पार्टिकल का मास क्या है, 4 mu। अल्फा और बीटा पार्टिकल्स हैं जो उनका वजन है। गैमा के आगे मैंने रेज लिखा है, गैमा का वजन नहीं होता, वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है। बीटा पार्टिकल्स का वजन 9.11 × 10⁻³ kg, तो इलेक्ट्रॉन का जो मास है वही आ जाएगा। इसका मास 0, समझ के 0 क्यों, चार्ज पॉजिटिव नेगेटिव नो चार्ज, क्लियर। वेलोसिटी, जो चीज़ जितनी हल्की होगी वो उतना फास्ट भागती है, भारी चीज़ें स्लो भागती हैं। सबसे फास्टेस्ट कौन से मूव करेंगे भाई, गैमा रेस, इक्वल टू स्पीड ऑफ लाइट। क्योंकि जितने भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन होते हैं वो सब के सब 3×10⁸ मीटर पर सेकंड से ट्रैवल करते हैं। सारे माइक्रोवेव हो, रेडियो वेव हो, इंफ्रारेड हो, अल्ट्रावायलेट हो, गैमा रेज हो, एक्सरे हो, विजिबल रे हो, सबका सब, सबकी सेम स्पीड है 3×10⁸। गैमा रेज भी इसी स्पीड से ट्रैवल करती हैं। इसका रेडियो वेव्स है ना जो 3G 4G, आपके वाईफाई का सिग्नल, वो भी इस स्पीड से भागता है। मतलब आप देखें ना, आप कॉल अगर आप करते हैं, कॉलिंग वगैरह जब आप कर रहे होते हैं, यहाँ कॉल मिलाते हैं और सात समंदर पार अमेरिका में कॉल लग जाती है सेकंडों में, सेकंड से ही पहले, और जो डिले आ रहा होता है ना वो सिग्नल्स उनके ट्रांसमिशन का नहीं आ रहा होता, वो जो अंदर जो टेक्निकल चीज़ें किसी राउटर में जा रहा है, किसी तार से उसमें डिले आ रहा होता है, या आपके मोबाइल फ़ोन है वो ऑपरेट कर रहा है, जो भी 2-3 सेकंड का डिले आता है वो मोबाइल फ़ोन की वजह से या किसी और चीज़ की वजह से आता है। वेव्स तो सेकंड में पहुंच जाते हैं, वेव्स यहाँ से छूटे हैं पाकिस्तान से और 1 सेकंड से भी कम लम्हे में अमेरिका में है, वो ऐसे ही है ना, कोई टाइम नहीं लगता। 3×10⁸ बहुत बड़ी वैल्यू है, मीटर पर सेकंड में बता रहा हूँ, किलोमीटर पर आवर में नहीं बता रहा, मीटर पर सेकंड 3×10⁸। ये इतनी तेज़ स्पीड है कि अगर इस स्पीड से अगर आप गाड़ी चलाओगे तो ज़मीन के 7 चक्कर लगा सकते हो 1 सेकंड में, मतलब इतने देर में 7 चक्कर लग जाएंगे, पूरी ज़मीन के 7 चक्कर लग जाएंगे दुनिया के। ये है स्पीड ऑफ लाइट, तो 7 बार जा सकते हैं भाई अमेरिका से होकर 1 सेकंड के अंदर, सिर्फ इतनी ज़्यादा रेस की स्पीड होती है। तो जो स्पीड, जो अगर डिले आ रहा होता है, अरे यार डिले आ रहा है सिग्नल, वो सिग्नल प्रॉब्लम, वो सब कुछ और वजह से होती है, वो वेव्स की वजह से नहीं होती है, वेव्स बेचा फंस गया, स्लो हो गया जाके, ऐसा कुछ नहीं। तो वेलोसिटी सबसे ज़्यादा होगी गैमा रेज की, क्योंकि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स है, और इसकी अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू स्पीड ऑफ लाइट है बीटा की, अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू, लगभग करीब है, अप्रॉक्सी का साइन लगाया हुआ है, और इसकी लेस देन स्पीड ऑफ लाइट, क्योंकि सबसे भारी है, सबसे भारी है और उसकी स्पीड सबसे कम है, सबसे हल्का गैमा रे है क्योंकि वजन ही नहीं है, सबसे फास्ट है, और ये दोनों के मीडियम है बीच में। पेनिट्रेशन पावर, भाई जो चीज़ जितना तेज़ी से मूव करती है उतना ही पेनिट्रेट कर पाती है ना भाई, पेनिट्रेशन पावर ज़्यादा होगी ना जो जितनी तेज़ी के साथ मूव करे, वो चीज़ मूवमेंट पर होता है, वेलोसिटी पर होता है, ये जो फास्टर मूव करेगी वो पेनिट्रेट भी ज़्यादा करेगी। पबजी कौन खेलता है, पबजी कोई खेलता है तो बताओ ना, हैंड रेस करो तो मैं खेलता। अच्छा, तो आजकल हर कोई खेलता है इसमें क्या, तो उसमें गन्स होते हैं अलग अलग, जैसे AR होता है, असॉल्ट राइफल्स वगैरह होते हैं, AKM वगैरह होता है, M416, ये सब, और एक और उसमें कुछ छोटे गन्स पिस्टल्स भी होते हैं, UMP वगैरह। तो जो बड़े गन्स होते हैं ना उनमें गाड़ी जो बुलेट होता है वो बहुत फास्ट निकलता है, स्पीड बहुत तेज़ होती है, और वो पेनिट्रेट भी ज़्यादा करता है, डैमेज भी ज़्यादा देता है, इसलिए जो असॉल्ट राइफल्स होते हैं उनका डैमेज ज़्यादा होता है राइफल्स वगैरह का। यही पिस्टल होते हैं, उनमें गोली स्पीड से नहीं निकलती, पेनिट्रेट भी ज़्यादा नहीं करती। अब असॉल्ट राइफल तो 3 बंदे को साथ खड़े गोली मारोगे तीनों तो सुराख करके बाहर, ऐसे है ना भाई, 3 बंदे को एक साथ लाइन पर खड़ा कर दो, एक गोली मार दो, सारे मर गए। हिटलर ऐसे ही मारा करता था ना, हिटलर की फौज जो मारा करती थी लोगों को, अब गोली बचाना होता था 10 लोगों को लाइन से खड़ा कर एक ही गोली मार दी, 10 के 10 मर गए एक साथ, तो वो, लेकिन वो नॉर्मल पिस्टल से ऐसा नहीं हो सकता, पिस्टल एक में ख़त्म। तो जितनी ज़्यादा स्पीड से गोली निकलेगी उतनी पेनिट्रेट करेगी, उतने ही ज़्यादा वो ट्रांसफ़र हो जाएगी। तो सबसे स्पीड पे कौन सा जा रहा है, गैमा रेज, तो पेनिट्रेशन पावर हाईएस्ट, और सबसे स्लो कौन सा है, अल्फा रे, तो पेनिट्रेशन पावर लोएस्ट। कॉन्सेप्ट बनाओ, डेली लाइफ से जोड़ दिया करो चीज़ों को, और इसका मीडियम हो गया, मोर देन अल्फा लेस देन गैमा। अब कितना है वैल्यू भी याद रख लो, MCQs में पूछते हैं एप्टीट्यूड में। इसकी सबसे कम है 1-2 cm हवा में, बस
एयर में 1 से 2 सेंटीमीटर जा सकती है, बस उससे आगे नहीं जा सकती, पेनिट्रेट नहीं करती। बीटा हवा में 1 से 2 मीटर तक जा सकता है बस। और गैमा 15 से 20 सेंटीमीटर इन लेड, लेड में 15 से 20 सेंटीमीटर तक पेनिट्रेट करने के बाद जाकर रुकता है, हवा में तो इनफाइनाइट जाता है। तो सबसे डेंजरस इस वाले से गैमा रेज़ है कि पेनिट्रेशन पावर बहुत है, मतलब किसी भी ब्लॉक से पार कर जाएंगे। कैना पे कराची न्यूक्लियर पावर प्लांट, उसमें जहाँ पर ये रिएक्शन कर रहे होते हैं उसमें क्या होता है, उसके चारों तरफ जहाँ पर ये रिएक्शन ज़मीन के नीचे हो रहा है ना, कैनब हॉक्स बे के करीब है कराची में, जहाँ पर प्लांट लगा हुआ है जिससे बिजली बन रही है, कराची को सप्लाई होती है, सुना होगा नाम आपने कैनब का। तो अब उस कैनब पर जो बिजली बन रही है न्यूक्लियर प्लांट, तो उसके चारों तरफ इतने मोटे मोटे लेड के ब्लॉक लगे हुए, इतने मोटे मोटे लेड के ब्लॉक उसके चारों तरफ, ताकि रेडिएशन अंदर से बाहर नहीं निकले, बस समझ में आ रही। तो वो 15 से 20 सेंटीमीटर तक भी चूँकि पेनिट्रेट कर जाती है, तो इतने मोटे मोटे ब्लॉक लगाए जाते हैं लेड के चारों तरफ, वॉल दीवारी पूरी उसकी लेड की बनी होती है। तो इस हवाले से ये बात समझ में आ रही है। अच्छा, अब आपको लगेगा कि गामा रेज डेंजरस है मोस्ट, लेकिन मैं आपको बताऊंगा अल्फा रे डेंजरस है, वजह मैं बताऊंगा थोड़ी देर। आयनाइजेशन पावर, आयनाइजेशन पावर मतलब कि कोई चीज़ इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने की सलाहियत, जितनी भारी चीज़ जाकर टकराएगी ना एटम से उतनी ज़्यादा आयनाइजेशन पावर होगी। सबसे भारी कौन सा है, अल्फा है, स्पीड डाउन है बट आयनाइजेशन पावर बहुत हाई है इसकी। गैमा स्पीड बहुत फास्ट है बट वेट नहीं है, तो फिर इलेक्ट्रॉन को इजेक्ट नहीं कर सकता, आयनाइजेशन पावर सबसे कम है। आयनाइजेशन से मराद के इलेक्ट्रॉन्स को बाहर निकाल देना। अब गैमा रेज है, पेनिट्रेट कर जाती हैं लेकिन आयनाइजेशन नहीं है। मैं खड़ा हूँ, मेरे पास गैमा रे पास हो गए, क्या पता मुझे कुछ ना हो, मैं सही रहूँ, क्योंकि पेनिट्रेशन तो कर जा रही है लेकिन अंदर मेरे ब्लड को आयनाइज नहीं कर पा रही है। अब अल्फा रे, अल्फा रे वैसे तो पेनिट्रेट नहीं कर पाएंगे, मैं हाथ में भी रख लूँगा अपने कुछ भी नहीं होगा, हवा में पेनिट्रेट करी 1 से 2 सेंटीमीटर बस, लेकिन अगर किसी तरह से मेरे हाथ में कट लगा हुआ है उसके थ्रू वो चले जाए, या फूड के थ्रू खाने के थ्रू चले जाए बॉडी में, मेरे ब्लड में मिक्स हो जाए जाकर, अब वो फ़ौरन से क्या होगी, मिनटों में क्या करेगी, वो जो है ब्लड को आयनाइज कर देगी। ब्लड आयनाइज होगा, ब्लड क्लॉट हो जाएगा, पूरा खून मेरे बॉडी में जम जाएगा, 5 मिनट में इंसान की मौत होती है अल्फा रेज। गामा रेज में तो सिर्फ समझ लो कि 1 हफ्ते के बाद तो सिम्टम आते हैं, आप एक रेडियो एक्टिविटी में एक्सपोज हुआ है बंदा, इसमें 5 मिनट बहुत है अल्फा रे के मौत देने में। लेकिन मसला कितने आराम से पेनिट्रेट नहीं कर पाता बॉडी में जब तक आप उसको फूड के थ्रू इनटेक नहीं कर ले कुछ। बात समझ में आ रही है, सारे पॉइंट समझ में आ गए क्लियर। पेनिट्रेशन पावर समंदर की गहराई में कौन नहीं जा सकता, गामा रेज जा सकती है। रेडियोएक्टिव डिके, जब किसी एलिमेंट से रेडियोएक्टिविटी खारिज हो जाए तो क्या असर होता है उस पर, जरा देखें। मैं 3 डिके दिखाता हूं आपको, अल्फा डिके, ये फर्स्ट टाइम में बच्चों को बिल्कुल समझ में नहीं आता तो अभी समझने की कोशिश करो, ये बच्चे बड़ा दिमाग खाते हैं इसमें मेरा फर्स्ट ईयर में। अल्फा डिके, बीटा डिके और गामा डिके, फिजिक्स में भी डिके है, चलो गुड, फिर तो समझो दोनों जगह फ़ायदा हो। डिके मतलब तो ख़त्म हो जाना, इसके एक मतलब ये होते हैं डिके हो जाना। तो अल्फ़ा डिके मतलब जब किसी पार्टिकल से, कोई किसी एलिमेंट से अल्फ़ा पार्टिकल निकल रहा है, एक्स है एक एलिमेंट है, जेड एटॉमिक नंबर, ए मास नंबर, इससे अगर अल्फ़ा पार्टिकल निकल जाए तो क्या होगा ये देख लेते हैं। अल्फ़ा पार्टिकल से मुराद इससे हीलियम निकल गया ना, 2-4, तो इसमें क्या फ़र्क पड़ेगा इसके एटॉमिक नंबर में, कितना कम हो जाएगा, 2 लेस हो जाएगा, क्योंकि 2 निकल गया ना, तो एक नया एलिमेंट बन जाएगा, ये पेरेंट निकला है, ये डॉटर निकला है, जेड माइनस 2, और ये ए कितना कम हो जाएगा, 4 कम हो जाएगा, ए माइनस 4, ठीक है। अब जैसे किसी एक एलिमेंट को उठा लेते हैं, कार्बन को, कार्बन 6, 12, तो अल्फा पार्टिकल निकल गया इसमें से, तो 4 बचा यहाँ पर, और यहाँ पर 4 एटॉमिक नंबर किसका होता है, बेरिलियम का होता है, बेरिलियम बन गया, न्यूक्लियर रिएक्शन हो गया। तो एक्स वाई की सूरत में था, ये इसके एग्जांपल हो गए, जर्नल रिएक्शन। अच्छा, बीटा डीके छोड़ दो, अब गामा डीके देखो, बीटा डीके सबसे मुश्किल है। गामा डीके एक्स जेड है, ठीक है, अब इसमें से गामा रेज निकले, गामा रे बस गामा रेज ही होता है, तो पार्टिकल नेचर तो होता नहीं इनका, तो क्या फ़र्क पड़ेगा,
कुछ फर्क नहीं पड़ता एटम के अंदर, गामा रेज निकलते हैं तो न्यूक्लियस में कोई फर्क नहीं आता, वैसे ही रहता है। कार्बन 614 जैसे के अगर हम इसे निकालें तो ये कार्बन 614 ही रहेगा और अल्फा रेज निकल जाएंगे, सही है। अब बीटा डीके देख लो, एक्स जेड ए वाई बनेगा प्लस, अब बीटा रेज निकल लें मतलब बीटा रेज से मुराद इलेक्ट्रॉन निकल जा रहे हैं, क्या फर्क पड़ेगा इसके जेड और ए में? जेड पे क्या फर्क पड़ेगा? बढ़ भी सकता है कम भी हो सकता है, बीटा पॉजिटिव। अच्छा ये तो आप असल में दो पढ़ते हैं फिजिक्स के अंदर, तो आप दो पढ़ रहे होंगे, बीटा पॉजिटिव बीटा नेगेटिव, यहाँ बीटा नेगेटिव की बात कर लेते हैं, सही है, केमिस्ट्री में तो एक ही है बीटा नेगेटिव। बढ़ जाएगा कितना? एक बढ़ जाएगा, एक बढ़ेगा क्यों, वजह क्या होगी एक बढ़ने की? एक इलेक्ट्रॉन चलेगा। जेड किसका नंबर है? चलो आप जरा कॉन्सेप्ट देखते हैं, जेड क्या है? एटॉमिक नंबर। एटॉमिक नंबर क्या बताता है आपको? नंबर ऑफ, असल में क्या बताता है? नंबर ऑफ प्रोटॉन बताता है असल में आपको, इलेक्ट्रॉन नहीं बताता। इलेक्ट्रॉन तो कम या ज़्यादा हो सकते हैं ना, अगर सोडियम का एक इलेक्ट्रॉन निकल गया, सोडियम 10 हो गया तो क्या रहा तो सोडियम है, एटॉमिक नंबर तो 11 ही रहा ना, 10 तो नहीं हो जाता, ठीक है। प्रोटॉन्स की तादाद असल में एटॉमिक नंबर कहलाती है, ठीक है। तो ये जेड है हमारे पास प्रोटॉन्स, एक एग्जाम्पल तो प्रोटॉन है यहाँ पर। जब बीटा रे निकल रहा है तो प्रोटॉन एक क्यों बढ़ रहा है? प्रोटॉन बढ़ प्रोटॉन एक इलेक्ट्रॉन निकल रहा है तो प्रोटॉन क्यों बढ़ रहा है? मास नंबर में। अच्छा याद कर लिया है मतलब, हाँ बैलेंस करने के लिए नहीं। अच्छा ए में क्या फर्क पड़ेगा, चलो ये बताओ, सेम रहेगा। अच्छा ये चीज़ बच्चे ने याद तो कर ली है, साद रजा नाम है ना शायद आपका, याद तो कर लिया बट ये समझ में थोड़ी देर से आती है कैसा होता क्यों है, मैं इसको बता देता हूँ। जैसे कार्बन है 612 है या 614 ले लेते हैं रेडियो एक्टिव आइसोटोप। अब बेटा ज़रूरी नहीं है कि हर एलिमेंट से अल्फा बीटा गामा तीनों निकले, कोई सिर्फ अल्फा डीके करता है, कोई सिर्फ बीटा डीके करता है, कोई सिर्फ गामा डीके करता है, कोई अल्फा बीटा करता है, कोई अल्फा गामा करता है, कोई बीटा गामा करता है, और कोई तीनों भी कर जाता है। बच्चे सोचते हैं ना कि हर रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स अल्फा बीटा गामा निकल रहा है, तो ऐसा नहीं है, कुछ सिर्फ अल्फा भी निकलता है, कुछ सिर्फ बीटा भी निकलता है, ऐसा होता है। तो ये मिसाल के तौर पर इससे निकल रहा है बीटा रे, अब बीटा रे निकल रहा है तो इलेक्ट्रॉन्स निकल रहे हैं, क्या न्यूक्लियस के अंदर कोई इलेक्ट्रॉन होता है? और क्या रेडियो एक्टिविटी न्यूक्लियर फिनोमिना है? न्यूक्लियर फिनोमिना है, न्यूक्लियस के बारे में पढ़ते हैं रेडियो एक्टिविटी में, और बीटा रे इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, क्या न्यूक्लियस में इलेक्ट्रॉन होता है तो निकलता कैसे, तो निकला कैसे? अल्फा बीटा गामा सब निकल तो न्यूक्लियस से ही रहा है ना, न्यूक्लियस के टूटने से निकल रहा है ना, क्या न्यूक्लियस में इलेक्ट्रॉन होता है तो निकला कैसे, ये तो सवाल है, कौन बताएगा इसका जवाब? बन जाता है कैसे, लॉजिक कोशिश कर रहे हो तुमने भी क्या? सवाल दोबारा रिपीट करूं, मैं ये कह रहा हूं कि मैं इसको डायग्राम से समझा देता हूं। कार्बन 612 ठीक है, 614 सॉरी 14 वाले लेते हैं, मतलब इसके पास प्रोटॉन 6 हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन 6 हो जाएगा, न्यूट्रॉन 8 हो जाएंगे, ऐसा ही है, ऐसा ही है ना, न्यूट्रॉन 14 - 6 = 8। अब इसका न्यूक्लियस ड्रॉ कर देते हैं, ये इसमें 6 प्रोटॉन है और 8 न्यूट्रॉन है, 1 2 3 4 5 6 प्रोटॉन आ गए और न्यूट्रॉन इसके अंदर 8 आ गए, 8 न्यूट्रॉन है, रेड से बना देते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 8 रेड से न्यूट्रॉन बना दिए, न्यूक्लियस बन गया इसका। अब उसके बाहर कुछ शेल होंगे, शेल पे इलेक्ट्रॉन्स होंगे, फर्स्ट पे 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं और सेकंड पे हमारे पास 1 2 3 4 4 इलेक्ट्रॉन्स होंगे ना, 4 2 6 हो जाएगा, सही है। अब मेरा सवाल यह है कि न्यूक्लियस में आप देख सकते हैं या तो प्रोटॉन है या तो न्यूट्रॉन है, और रेडियो एक्टिविटी खारिज कब होती है कि जब न्यूक्लियस टूटता है, और जब यहाँ न्यूक्लियस टूटेगा तो उसके अंदर से ही अल्फ़ा निकल ले, चलो मान लिया अल्फ़ा निकल सकता, अल्फ़ा कैसे निकल जाएगा, हीलियम न्यूक्लियस है ना, तो
तो दो प्रोटॉन और जो है वो दो न्यूट्रॉन लेकर निकल जाएगा, दो प्रोटॉन दो न्यूट्रॉन लेकर निकल जाएगा। गामा रे में भी दिमाग काम कर लेता है, गामा रे में तो कोई पार्टिकल टूट ही नहीं रहा, निकल सकता है किसी भी तरह से निकल जाएगा। बीटा रे में दिमाग होता है ख़राब, क्योंकि बीटा होता है इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन कहाँ से निकालोगे उसके अंदर से? और सवाल समझाया क्या जवाब है इसका? नहीं पता, किसी को नहीं पता, कोई नहीं जानता। यस यस नाउ तो कहती ये आपका सही जवाब है, तो वासिल ने ये सही जवाब दिया है अबाउट दिस के देखो न्यूट्रॉन जो है ना, अगर हम एक न्यूट्रॉन को अगर मैं यहाँ पर शो करूँ, ये दिस इज अ न्यूट्रॉन, न्यूट्रॉन इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ टू पार्टिकल एक्चुअली। जब न्यूट्रॉन को तुम तोड़ोगे ना तो ये एक बन जाएगा प्रोटॉन और एक बन जाएगा इलेक्ट्रॉन, और प्रोटॉन पॉजिटिव चार्ज वाला, इलेक्ट्रॉन नेगेटिव चार्ज वाला, तभी तो न्यूट्रल होता है ये। ठीक है, प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन के चार्ज बराबर होते हैं, मैग्नीट्यूड साइन अलग अलग होते हैं, तो ये दोनों मिलकर जीरो चार्ज बना लेते हैं। और वजन भी अगर आप देखो तो न्यूट्रॉन का वजन प्रोटॉन से थोड़ा सा ज़्यादा होता है, 1.67 × 10⁻²⁷ ये होता है प्रोटॉन का वजन, और 1.76 × 10⁻²⁷ ये होता है न्यूट्रॉन, थोड़ा सा ज़्यादा होता है न्यूट्रॉन का वजन प्रोटॉन के मुकाबले में। क्यों ज़्यादा होता है? बिकॉज प्रोटॉन के साथ एक इलेक्ट्रॉन का वजन भी शामिल होता है न्यूट्रॉन के अंदर। जब बीटा डीके होता है तो न्यूट्रॉन टूटता है, असल में जब न्यूट्रॉन टूटता है, जैसे एक न्यूट्रॉन यहाँ से चला गया, टूट गया, ये क्या बना? एक प्रोटॉन बना और एक इलेक्ट्रॉन बना। एक प्रोटॉन बन गया तो प्रोटॉन तो यहीं रह गया और जो इलेक्ट्रॉन है वो बाहर निकल गया, वो बाहर निकल गया किसकी सूरत में? बीटा रे की सूरत में। इस तरह से बीटा डीके होता है। अब चेंजिंग क्या आ रही है, अब यहाँ पर देखो एटॉमिक नंबर एक बढ़ेगा। क्यों बढ़ेगा एक एटॉमिक नंबर, अब समझ आ रहा है? क्योंकि एक प्रोटॉन बढ़ गया, पहले प्रोटॉन 6 थे, प्रोटॉन 7 है तो 7 हो गया है, लेकिन मास नंबर सेम रहेगा। क्यों? क्योंकि मास नंबर क्या होता है? प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन। अगर एक प्रोटॉन, अगर एक न्यूट्रॉन टूटा है तो एक प्रोटॉन बना भी तो है, मास नंबर तो सेम रह जाएगा, इसलिए हम कहते हैं कि z प्लस 1 होता है नीचे और यहाँ सिर्फ a रहता है। अब कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ होगा कैसा होता है। तो क्या बन जाएगा इसमें? 7 बन जाएगा, मतलब नाइट्रोजन ये सेम रहेगा 14 प्लस बीटा रे बाहर आ गया। समझ में आ गया अल्फा बीटा गामा डीके? क्या फ़र्क पड़ता है एलिमेंट को जब उसमें डीके होता है? यस वासिल ग्रेट, याद था तुम्हें, मतलब सोचा है उसको। चलो सही है, इस तरह के